तक हम क्या पढ़ चुके हैं? स्टेटफुल कंपोनेंट लास्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि कंपोनेंट के अंदर स्टेट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। और एक हमने छोटी सी काउंटर की ऐप भी बनाई थी और एक हमने लाइट ऑन ऑफ करके देखा था, जस्ट एक सैम्पल था वो, ठीक है जी। इस तरह से स्टेट को बनाया था हमने और उसके बाद स्टेट को जो है वो स्क्रीन पे रेंडर करवाया था, ठीक है। स्टेट को इटसेल्फ भी स्क्रीन पे रेंडर करवा के देखा था हमने नंबर और स्ट्रिंग की सूरत में, लेकिन बूलियन जो है वो स्क्रीन पे रेंडर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने बेस्ड ऑन रेंडर जो ये वाली बात है कि जी अगर स्टेट इक्वल्स टू अगर कार लिखा हुआ स्टेट में तो ये प्रिंट कर दो, अगर बस लिखा हुआ तो ये प्रिंट कर दो, ठीक है। तो उस तरह से भी हमने करके देखा इफ़ लगा के या ट्रू फॉल्स करके भी, उसमें भी टर्नरी ऑपरेटर, इफ़ नहीं एक्चुअली टर्नरी ही लगता है इसके अंदर, ठीक है। इफ़ लगाएंगे तो वो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, टर्नरी ज़रा इसमें ईजी रहता है। तो बेस्ड ऑन रेंडर भी देखा कि जी बेस्ड ऑन स्टेट कि रेंडर हम क्या करेंगे, कंडीशनली रेंडर करेंगे कि स्टेट में अगर फ़लाँ चीज़ है तो ये रेंडर करो, अगर फ़लाँ चीज़ है तो कुछ और रेंडर करो, ये भी हमने करके देख लिया था। अच्छा, उस स्टेट को हमने बटन के क्लिक के ऊपर चेंज करवाना सीख लिया था, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको बटन के क्लिक पे ही चेंज करवाऊँ मैं, किसी दूसरे इवेंट पे भी वो चेंज हो सकता है, ठीक है। मैं वैसे ही सेट टाइम आउट लगा के थोड़ी देर में उसको चेंज करा दूँ, या ना बटन के क्लिक पे चेंज करा दूँ, या फिर मिसाल के तौर पर कोई मैं API कॉल करता हूँ, अगर अभी वो इंशाल्लाह आज हम करेंगे तो API कॉल का जो रिस्पॉन्स आता है तो उस बेस पर भी मैं स्टेट को चेंज करवा सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक API कॉल की मिसाल के तौर पर चेक किया मैंने कि बंदा लॉगिन है या नहीं है, अगर बंदा लॉगिन था तो मैंने क्या किया, स्क्रीन पे शो करा दिया कि भाई यू आर लॉगिन और उसका नाम वाम डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। वो नाम कैसे डिस्प्ले कराया, वो मैंने स्टेट में रखा और स्टेट को स्क्रीन पे दिखा दिया मैंने। और अगर बंदा लॉगिन नहीं था तो मैंने ये दिखा दिया कि एल्स में कि यार यू आर नॉट लॉग्ड इन, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो हम स्टेट को चेंज करना हमने सीख लिया। स्टेट को चेंज करने के भी हमने दो तरीके देखे थे। एक तरीका जो था वो तो ये था कि जी, बल्कि एक ही देखा था हमने, दूसरा वाला तो हमने देखा नहीं है। स्टेट को चेंज करने का हमने एक ही सेट लिट ऐसे करके सीखा था ना, और इसमें जो प्रीवियस करके वो सीखा था हमने, देखता हूँ उसमें होगा अगर सीखा होगा तो। प्रीवियस वाला हमने डिस्कस नहीं किया था ना कल। अच्छा चलो, वो जब टॉपिक आएगा तो फिर हम देख लेंगे, बल्कि अभी API कॉल का डेटा मंगवाएंगे ना उसमें देख लेंगे। तो ये एक चीज़ हमारी स्टेट में मिस हो गई थी, वो हम अभी इंशाल्लाह कल कवर कर लेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन रेंडर में ये पूरा हमने फिर लगा लिया था कि जी एक क्लास नेम के जो प्रॉप के अंदर उसको मैंने कंडीशनल क्लास नेम पास कर दी थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि जब स्टेट चेंज होती थी उसकी क्लास भी चेंज हो जाती थी, और नतीजा उसका ये होता था कि स्क्रीन पर वो कलर उसका चेंज हो रहा होता था, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर। अच्छा जी, योर टर्न वाला जो काम है ये भी हमने कल करके यहीं क्लास में ही देख लिया था, और आई होप कि ये आपने अपने हाथ से भी सब लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये फेच डेटा वाला काम आज। अच्छा, इस फेच डेटा के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक नई ऐप बनाने जा रहा हूँ। मैं इस रिएक्ट के फोल्डर के अंदर आता हूँ, और इस रिएक्ट के फोल्डर के अंदर आके मैं, ठीक है जी, मैं इस रिएक्ट के फोल्डर के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ npx create dash react dash app space वेदर ऐप, ठीक है जी। वेदर ऐप मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, इसको सूडो नहीं लिखा मैंने, जिसकी वजह से इसको परमिशन नहीं मिली थी। तो ये मैंने एक नई ऐप यहाँ पे क्या कर दी है, क्रिएट कर दी है। इससे पहले हम क्या कर रहे होते थे कि हमने ऐप तो नई क्रिएट की थी, लेकिन उसका सारा अंदर का सामान हम डिलीट कर देते थे और एक सिंगल फाइल पे हम काम कर रहे होते थे। आज हम क्या करेंगे, ज़रा जो फोल्डर का स्ट्रक्चर इसने बना कर दिया ना, हम उसी फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, और आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा वो क्लीन होता है। जब हम उस तरह से काम करते हैं तो मामला थोड़े से क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। अच्छा जी, जब तक ये बन रहा है नया प्रोजेक्ट, इधर आ जाते हैं ज़रा और इस आर्टिकल में देखते हैं। तो ये कह रहा है कि जी यू हैव लर्न हाउ टू गेट समथिंग ऑन द पेज विथ रिएक्ट, कि किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे कैसे रेंडर कराना है ये अभी तक हम सीख चुके हैं। आप प्रॉप सीख चुके हैं हम, ठीक है, और प्रॉप के ज़रिए क्या करते हैं, हम कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करते हैं, और स्टेट हम सीख चुके हैं। स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, कीप ट्रैक डेटा विद इन द कंपोनेंट, कि उस एक कंपोनेंट के अंदर की एक स्टेट हम मेंटेन कर रहे होते हैं स्टेट वेरिएबल्स के ज़रिए। अच्छा, लेकिन ये API कॉल भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अब वो होने जा रही है। अच्छा, तो हाउ टू फैच डेटा, बिफोर वी डाइव इन देयर इज़ वन थिंग यू नीड टू नो, रिएक्ट इट सेल्फ डजेंट हैव एनी
एलिगेंस टू एनी पर्टिकुलर वे ऑफ फैचिंग डेटा, कि रिएक्ट आपको ना ये मजबूर नहीं करता कि आप एक ख़ास तरह से आप डेटा फैच करें। आप जैसे एक प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप में डेटा फैच करते हैं आप उसी तरह कर सकते हैं। अच्छा, प्लेन जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, एक्जियोस है, फैच के नाम से एक बिल्टन उसमें फंक्शन है, ठीक है। रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी एक यूज़ हुआ करती थी कुछ अर्से पहले तक, अब ज़रा वो डेप्रिशिएट हो गई है, ठीक है। और भी कई लाइब्रेरीज हैं, आप लिखेंगे कि डेटा फैच की APIs, डेटा फैच की लाइब्रेरीज़ फॉर जावास्क्रिप्ट, तो एक लंबी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। हर लाइब्रेरी की अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। कुछ इस्तेमाल करने में बड़ी आसान है, कुछ जो है वो फाइलें वगैरह सेंड करने में उसमें एज है थोड़ा, कुछ में जो है वो REST APIs को बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं वो, कुछ में ज़रा इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला ऑप्शन दिया हुआ है जैसे पोस्टमैन में होता है। तो वो अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ अलग अलग APIs मार्केट में मौजूद हैं, जो कि हम क्या करते हैं API कॉल के लिए उन लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो जी, रिएक्ट आपको ये नहीं बोलता कि आप उनमें से किसी एक का नाम नहीं लेता, बोलता है भाई आप कोई सा भी यूज़ करो। इनफैक्ट एज फार एज रिएक्ट कंसर्न, इट डज नॉट इवन नो देयर इज़ अ सर्वर इन द पिक्चर एट ऑल। रिएक्ट इज़ UI ओनली, कह रहे हैं कि यहाँ तक के बात है कि जब आप रिएक्ट से कोई API कॉल करते हैं तो रिएक्ट को नहीं पता कि आपका सर्वर किधर है और सर्वर इवन है भी या नहीं है। जैसे अभी तक जो हमने ऐप बनाई है उसमें सर्वर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अब हम जो API कॉल करेंगे ज़ाहिर है किसी ना किसी सर्वर की API होगी, तो रिएक्ट का उससे को लेना देना नहीं है, ठीक है। रिएक्ट को जस्ट ये पता है कि एक API कॉल हो रही है, उस API से जो डेटा आएगा उसमें जो आप लॉजिक लिखेंगे वो कर देगा, ठीक है। तो रिएक्ट को ये नहीं पता कि जी सर्वर है या नहीं है, ना उसका इससे कोई कंसर्न है। रिएक्ट जो है वो फ्रंट एंड ओनली है, ठीक है। अच्छा, अब जो रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी आपको पता यही होता है कि जो फंक्शन चाहिए वो लगाओ इस्तेमाल करो, दैट्स इट। वो आपको किसी चीज़ पर मजबूर नहीं करता, किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप इसी तरह करो, ठीक है। ऑन अदर एंड जो फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क्स क्या कहते हैं कि जी नहीं आपने इसी सर्टेन वे से ये काम करना है। अब वो फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क भी वेरी करता है, कुछ फ्रेमवर्क तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं आपको कि जी ये इसी तरह होगा, कोई और तरीका आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। एक सर्टेन काम जैसे API कॉल, जैसे कि राउटिंग, जैसे कि ऑथ गार्ड, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह अभी हम आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा ये, तो ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क, कुछ फ्रेमवर्क तो होते हैं वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये ऐसे ही होगा, अदरवाइज़ आप करोगे नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, थोड़ा सा एज भी देते हैं आपको कभी कभी कि जी अच्छा यार ये आप थोड़ी बहुत चीज़ों को कहते हैं यार अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में क्या करते हैं आपको वो बाउंड करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास जो रिएक्ट ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट जो फ्रेमवर्क्स इस वक्त मौजूद हैं उसमें जो नेक्स्ट JS है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है इस वक्त, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा नेक्स्ट JS भी इस कोर्स में हम कवर करें, बट नेक्स्ट JS को पढ़ने के लिए आपको रिएक्ट पूरी आनी चाहिए, जो ये हम पढ़ रहे हैं ना ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे जब भी आपको नेक्स्ट JS समझ में आएगी, क्योंकि नेक्स्ट JS जो है वो क्या है, ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट जो है ना वो बनी हुई है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट बना हुआ होने की वजह से उसके जो ये स्टेट वाले कॉन्सेप्ट, जो प्रॉप वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और अभी जो हम डेटा API कॉल करेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मोर और लेस उसके अंदर इसी तरह से मौजूद हैं, और इसको उन्होंने चेंज नहीं किया। उन्होंने क्या किया, कुछ और दूसरी एडवांस चीज़ों के ऊपर काम किया और उनको आसान बनाया, ठीक है। अब आसान बनाया या मुश्किल बनाया ये तो आप करेंगे तो पता लगेगा, तो अभी फ़िलहाल हम ये वाला करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ऐप बन के तैयार हो चुकी है, एक नई ऐप, एक ब्रांड न्यू ऐप हमने बनाई है ये। अच्छा जी, इसके हम SRC में जाके ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या कुछ मौजूद है। अच्छा, ऐप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमें पता है index.js होता है, राइट। ऐप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है index.js, इस फाइल के अंदर क्या कुछ मौजूद है ज़रा हम देख लेते हैं। इस फाइल के अंदर देखो रेंडर करने का तरीका ना थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसमें। असल में आर्टिकल में जो लिखा होता है ना react.dom.render, वो आर्टिकल है थोड़ा पुराना, 2-3 साल पुराना है, तो उस वक्त ये वाला मेथड था, लेकिन अभी इन्होंने नया मेथड इंट्रोड्यूस करवा दिया है के भी जी आप ऐसे करेंगे। तो ये लाइन यहाँ पे पहले से लिखी हुई है, बॉयलर प्लेट का पार्ट है, इसको ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, root.render करके फिर ये रेंडर होता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने दो कंपोनेंट्स को रेंडर किया हुआ है। एक कंपोनेंट तो है react.struct mod, ठीक है। अब ये रिएक्ट का एक अपना बिल्टिन कंपोनेंट है जो कि यहाँ से इन्होंने react.struct करके उठाया हुआ है। अच्छा, अब ये रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मॉड क्या करता है, वही JavaScript के अंदर जो स्ट्रिक्ट मॉड करता है काम, वही रिएक्ट में भी करता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट मॉड क्या होता है कि कुछ इस तरह की अगर आपने गड़बड़ की हुई है तो आपको वो रोकता है, वार्निंग्स वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा आपको दे रहा होता है, ठीक है। तो जस्ट इसलिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके अंदर ये एक ऐप नाम का कंपोनेंट है जिसको रेंडर किया गया है। ये ऐप नाम का कंपोनेंट भी है, ऊपर आप देख सकते हैं ये इम्पोर्ट किया गया है किसी दूसरी फाइल से। जैसा कि हम जानते हैं कि Node.js में
हम एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बावजूद इसके कि ये नॉट जेएस के एनवायरनमेंट में नहीं चल रहा है ये, ठीक है, ये फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड के अंदर अभी तक इस तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ नहीं किया गया। इवन MJS जो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी वो मॉड्यूल JS पढ़ी जो सबसे नया वाला है, उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड है, लेकिन नॉट लाइक दिस, इस तरीके से अलाउ नहीं है उसके अंदर। उसमें हम क्या करते हैं कि जी वो अगर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल दूसरे में इंपोर्ट करनी है तो स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इंपोर्ट लिखते हैं, ठीक है, और वो इंपोर्ट लिखने का जो सिंटैक्स है वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इससे मुख्तलिफ है वो थोड़ा सा। ये वाला जो तरीका है ये प्योरली नॉट जेएस के अंदर अवेलेबल है इस वक्त। अब सवाल ये है कि ये इस पर काम कर कैसे रहा है, तो इसका जवाब ये कि भाई इस पर ये काम नहीं कर रहा है। ये असल में क्या करता है, इस कोड को उठाता है और इस कोड को उठा के ना इसको ट्रांसफॉर्म करता है ES5 में, और ये सारी फाइलें वाइलें खुद से मतलब ऑन द लाइब्रेरी लेवल इसको ये हैंडल कर रहा होता है। इसके अंदर एक टूल मौजूद है जिसको हम कहते हैं वेब पैक, वेब पैक ये सारे काम करता है, ठीक है, और जो एक्चुअल ब्राउज़र पर जाकर जो चल रही होती है चीज़ वो जो है वो ये वाला कोड होता ही नहीं है। वो क्या होता है, वो ES5 का कोड होता है जिसमें ये इंपोर्ट विम्पोर्ट कुछ भी नहीं होता, वो इंपोर्ट कोड आगे पूरी फाइल लगता है इसकी जगह पे लगे, ठीक है। तो जब हम इसमें NPM स्टार्ट चलाते हैं ना लोकल, उस पर वो चलना शुरू हो जाता है, तो असल में हमें लगता है कि ये फाइल चल रही है डायरेक्ट ये वाली, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये फाइल क्या होती है, बैकग्राउंड में इसको बिल्ड मारता है वो। जैसे हम बिल्ड करते हैं ना, तो बिल्ड में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, आप नोट कीजिएगा, जब बिल्ड मारते हैं तो बिल्ड के फोल्डर में ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, उसमें एक सिंपल सीधी जावास्क्रिप्ट की एक ही फाइल होती है, सारा काम उसी के अंदर हुआ होता है, और उस फाइल के चंक्स हो सकते हैं लेकिन वो फाइल एक ही होती है असल में। तो जब हम इसको NPM स्टार्ट करते हैं ना, यानी डेवलपमेंट मोड में जब हम चलाते हैं, तो भी क्या होता है कि ये फाइल डायरेक्ट जब भी नहीं चल रही होती, जब भी एक बिल्ड के जैसा ही एक फोल्डर कहीं ना कहीं वो इंटरनली बनाता है और उस बिल्ड के फोल्डर को वो चला रहा होता है। अच्छा, वो बिल्ड का फोल्डर मुझे फ्रंट पे दिखता नहीं है, वो पता नहीं कहाँ बनाता है, कहीं टेम्प्रोरी फाइल्स वगैरह के अंदर छुपा के बनाता है, ठीक है। अच्छा, हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है उसको, ठीक है, देख के हम करेंगे क्या उसको। तो ये इंपोर्ट वगैरह जो है ना, ये सारा कुछ ये सारा लाइब्रेरी लेवल पे हैंडल हो रहा है, और इसके पीछे किसका हाथ है, वेब पैक करके एक टूल है उसका हाथ है। अच्छा, ये वेब पैक की कॉन्फ़िगरेशन भी बॉयलर प्लेट में मुझे मिलती है बना के, ठीक है, अदरवाइज़ आज से कुछ अरसे पहले तक या 4-5 साल पहले तक ये वेब पैक हमें खुद से कॉन्फ़िगर करना होता था। हम खुद से बताते थे कि अच्छा जी, अब हम सेव का बटन दबाएं तो ये कमांड चलाओ और इस तरह से बिल्ड करो और फला फोल्डर में जाके रखो और उस फोल्डर को फिर सर्वर स्टार्ट करो लोकल उस 3000 पर करते थे हम, ठीक है। तो वेब पैक की पूरी कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी पड़ती थी, जो कि अब हमें बॉयलर प्लेट में रिएक्ट की CLI करके दे देती है, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप से जब हम बनाते हैं ऐप, तो बॉयलर प्लेट में ये सारा कुछ पहले से हुआ होता है। अच्छा जी, तो हमने ये देख लिया, इंडेक्स की फाइल को एक्सप्लोर कर लिया कि जी इंडेक्स की फाइल के अंदर एक ही कंपोनेंट है जो कि रेंडर हुआ है, और ये कहां से आ रहा है कंपोनेंट, ये एक ऐप के नाम का कोई है फाइल, वहां से इसको इंपोर्ट किया गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है। अब इसके अंदर ना इस कंपोनेंट में चलते हैं, तो मैंने कंट्रोल दबाया और क्लिक दबाया, ठीक है, तो ये इस फाइल के अंदर चला गया। अच्छा, ये फाइल के अंदर जब मैं पहुंचा, तो यहाँ पे आप देखें ये अच्छा असल में ये वाली फाइल है, ठीक है, ये वाली फाइल है। इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है कि एक सिंपल सा कंपोनेंट है और उसके अंदर ना सीधा सीधा ये एक समझ लें आप JSX लिखी हुई है थोड़ी सी, उसमें हेलो वगैरह लगा हुआ है, और एक इमेज इसके अंदर दिखाई गई है जिसमें ये लोगो करके ये इमेज डिस्प्ले की जा रही है। उसके अलावा ये एडिट कोड करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये एक लिंक लगा हुआ है इसके अंदर एंकर टैग का, ठीक है, लर्न रिएक्ट जस्ट लाइक दैट। अच्छा यार, ये इसमें भी वही वाला मसला आया दोबारा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ तो ये वो सेव नहीं हो रहा है, ये क्या बकवास है, ये क्यों हो जाता है हर दफ़ा, इसको मैंने कैसे सही किया था लास्ट। हाँ, रिवील इन फोल्डर, राइट क्लिक, गेट इन्फो, गेट इन्फो करके यहाँ पे एक ताला खोलना है पहले, और ये ताला खोल के मैंने क्या करना है, everyone के लिए रीड एंड राइट कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे करके अप्लाई टू इनक्लोज्ड आइटम्स सारे, और उसके बाद ताले को बंद कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद ये ताला बंद और ये गेट इन्फो को क्लोज़। अब होपफुली ये वाला मसला ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर अभी भी रहा है। ओहो, अच्छा एक और मैंने इसका हल ये निकाला था कि इस फाइल को ही मैंने डिलीट मारा था। इसको मैंने पूरे कोड को यहाँ से कंट्रोल X किया, ठीक है, इस फाइल को मैंने डिलीट मारा यहाँ से,
अरे भाई ये डिलीट भी नहीं करने दे रहा, क्या बकवास है। यहाँ से जाके उसको मैं इस फाइल को ही डिलीट मारता हूँ पूरे को, क्योंकि इस फाइल में तो मैंने चेंजेस करनी है ना ऑब्वियसली। और अब मैंने यहाँ पे आके एक नई फाइल बना ली, क्या बोल रहा है ये कि फाइल भी नहीं बना सकते। अरे भाई कैसी बातें कर रहा है। यार ये एक्सेस का इशू बड़ा आ रहा है इसके अंदर, यार क्या चक्कर है ये। इसको एज अ सूडो करके शायद मैं खोलूँ ना, फिर ये मसला ना मेरे। इसको मैं सूडो करके कैसे खोलूँगा। मैं लिखता हूँ सूडो और कोड स्पेस डॉट, ऐसे करके लिखता हूँ ताकि जो वी एस कोड में ये पूरा का पूरा फोल्डर ओपन हो रहा है ना, ये एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हो जाए। इसको बंद करते हैं पहले, इस पहले वी एस कोड को पूरे को बंद करते हैं। और वी एस कोड को पूरे को बंद करके यहाँ पे आता हूँ मैं। सूडो कोड स्पेस डॉट, अब इसको थोड़ा गूगल कर लेते हैं जल्दी से कि क्या चक्कर है। हाउ टू स्टॉप परमिशन व्हेन क्रिएटिंग एन न्यू फाइल। बकवास है यार ये। इस SRC के फोल्डर में ज़रा मैं एक दफ़ा वो परमिशन वाली चीज़ दोबारा चेक करता हूँ। ओहो यार ये मैंने एक को असल में किया और दूसरे को मैंने नहीं किया, शायद इस वजह से है ना। यहाँ पे मैंने एवरी वन वाला कर दिया, स्टाफ वाले को भी ज़रा रीड राइट कर देता हूँ ना। देखो यार ज़रा छोटी छोटी सी चीज़ें ना, और वो ना ऐसे डिस्टर्ब कर देती हैं पूरा फ्लो। अब बन गया, सही है। मैंने मिस्टेक ये की थी कि वो एक को मैंने जो है ना एवरी वन पे कर दिया था रीड एंड राइट, और स्टाफ वाले पे मैंने छोड़ दिया था, तो मेरा शायद एक्सेस वो एज अ स्टाफ समझ रहा था। ये SH कैसे खुल गया यार, क्या बकवास है यार। ये देख लो, अब इसके अंदर वो खुलता था ना ZSH खुलता था ना इसके अंदर। अब यहाँ से कैसे चेंज होता है ये, सेलेक्ट डिफॉल्ट, ये ZSH नहीं है तो टेम्प्रोरी खुलेगा ना। सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल है मेरे ख्याल ये, हाँ ये आ गया ना जी ZSH। सेट हुआ ना, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तीन चार टर्मिनल डले हुए होते हैं, तो वो पहले इसमें SH था डिफ़ॉल्ट जो था वो SH था, अभी इन्होंने नया माल तैयार किया है ZSH, तो पिछले 2-3 साल से जो है ना इसमें ZSH जो है वो नया वाला टर्मिनल है। अच्छा, और अगर मैं ZSH पे नहीं जाऊँगा, मैं किसी और पे जाऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ZSH के ज़रिए इंस्टॉल की हैं वो उस पर सम टाइम अवेलेबल नहीं होती दूसरे वाले टर्मिनल पर, तो इसलिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप मल्टीपल टर्मिनल एट द सेम टाइम आप यूज़ कर रहे हैं ना एज अ पर्सनल कंप्यूटर में। और लिनक्स के अंदर ये इशू बहुत आता है लोगों को कि वो एक टर्मिनल से यूज़ करते हैं और फिर उनको नए यूज़र होते हैं, उनको पता नहीं लगता वो क्या हुआ, फिर वो देखते हैं अरे ये तो गायब हो गया। अच्छा क्या कर रहा था मैं, वो एक्चुअल चीज़ ही मैं भूल गया कि मैं करने क्या वाला था, क्या कहाँ तक बता दिया था मैंने।
हाँ इस फाइल में सारा काम हुआ है, इस ऐप को रन कर लेते हैं यार अब जाके ना। रिएक्ट और वेदर ऐप npm स्टार्ट, इस ऐप को मैंने जल्दी से क्या कर दिया, रन कर दिया। अबे अब इसको परमिशन नहीं मिल रही है यार। सूडो npm स्टार्ट कर दिया मैंने, सही है भाई, सूडो करके होगा हर चीज़। अच्छा अब ये जो पेज है ना मेरे सामने, ये देखो असल में ये चकोर इमेज है, गोल नहीं है ये, सही है। ये इसको एनिमेट किया है ना, गोल घुमाया है। किसके ज़रिए एनिमेट किया, CSS के ज़रिए ऑब्वियसली। अच्छा तो जी ये वो कंपोनेंट है जो चल रहा है मेरे सामने, जो स्क्रीन दिख रही है ना, वो ये कंपोनेंट है। इसके अंदर ये इमेज दिख रही है मुझे यहाँ पे, और इसके ऊपर एक क्लास नेम लगा हुआ है ऐप लोगो करके, ठीक है। अच्छा ये ऐप डॉट जे एस की फाइल है, और इसके साथ ऐप डॉट सी एस एस की भी फाइल है। ये ऐप डॉट सी एस एस की फाइल इसके साथ आ गई, ठीक है। अच्छा हम अपना जो काम है वो इन दोनों फाइलों में नहीं करते, ठीक है। यही वजह है कि इन दोनों फाइलों पे वो रीड ऑनली उन्होंने पहले से लगा के दिया हुआ था, ठीक है। तो हम अपना काम इन दोनों फाइलों में नहीं करते, हम एक तीसरी फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है। अच्छा तो हम यही वजह है कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ये सारी चीज़ हम, ये सारा JSX हम रिमूव कर देंगे, और हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, अब एक नया कंपोनेंट बनाएंगे एक नए फोल्डर में। वो कहाँ पे बनाएंगे हम, SRC के फोल्डर के अंदर आकर, ये जो SRC का फोल्डर है इसके अंदर आकर मैं क्या बनाऊँगा, एक नया फोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स के नाम से, ठीक है। कंपोनेंट्स के नाम से मैंने एक नया फोल्डर बनाया, और इसके अंदर अब जो मैं कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ वो क्या बनाने जा रहा हूँ, वेदर ऐप बनाने जा रहा हूँ, राइट। अच्छा तो एक फोल्डर और बनाऊँगा मैं। अच्छा इस वेदर ऐप के अंदर मेरे पास क्या होगा, एक अदद फॉर्म होगा ऊपर, और नीचे एक अदद क्या होगा, कार्ड होगा, वेदर का एक कार्ड होगा मेरे पास, राइट। जैसे फेसबुक का कार्ड बनाया था हमने पूरा, तो एक कंपोनेंट होगा नीचे कि जब हम ऊपर लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो नीचे वो कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा तो मैं दो कंपोनेंट्स एक्चुअली बनाऊंगा यहाँ पर। अब जिसने कंपोनेंट की हाथ से प्रैक्टिस नहीं की, हो सकता है उसको ये बात समझना है, तो अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो मैं नंबर एक फोल्डर बना देता हूँ, वेदर विजिट डॉट, ये तो फोल्डर हो गया, ठीक है, एक वेदर विजिट हो गया। अच्छा दूसरा जो कंपोनेंट होगा मेरा वो क्या होगा, वेदर पेज उसको मैं कह सकता हूँ शायद, क्योंकि वो पूरा पेज होगा जो मेरा वेदर जिसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा ना, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं मेन का, सही है, मेन का नाम दे देते हैं, सही हो गया जी। तो ये दो हमने बना दिया। अच्छा यार मेन शायद इसका नाम सही नहीं है, इसका मैं नाम रख देता हूँ होम, सही है, इसका मैं नाम रख देता हूँ होम, ये ज़्यादा अच्छा नाम है। अच्छा अब होम के अंदर आके मैं क्या करूँगा, एक अदद जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाऊँगा जिसका मैं नाम क्या रखूँगा, होम डॉट जे एस एक्स नाम रखूँगा इसका मैं, ठीक है। नीचे बाहर वाले दोनों जे एस है, नोट कीजिएगा आप, क्योंकि उसमें मैंने जे एस एक्स नहीं लिखनी है। अच्छा जे एस में और जे एस एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट यही डिफरेंस है कि मेरे वी एस कोड के एडिटर को ये बात पता लग जाती है कि ये जे एस एक्स की फाइल है, ठीक है। अगर हो सकता है किसी एडिटर में बगैर जे एस एक्स के भी पता लग जाता है उसको, लेकिन जस्ट एक फ़र्क है कि मेरे वी एस कोड के अंदर उसको ये बात पता लग जाती है कि जे एस एक्स है, और फिर मुझे जे एस एक्स लिखते हुए थोड़ी सी इंटेलिजेंस ये देने शुरू कर देता है, ठीक है। अगर हम जे एस लगाएंगे तो बिहेवियर कोई फ़र्क नहीं है, जे एस एक्स लगाएंगे तो भी बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा ये जे एस एक्स हो गया। अच्छा इसी के साथ मैं क्या करूँगा, इसके इसकी स्टाइलिंग, तो मैं लिखूँगा होम डॉट सी एस एस, ठीक है। ये अभी फोल्डर स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, अभी API कॉल थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा तो ये होम डॉट जे एस एक्स हो गया और होम डॉट सी एस एस हो गया, ये दो फोल्डर फाइल बन गई। अच्छा तो ये मेरा कंपोनेंट जो है ना, हमेशा जब भी बनेगा तो उसका जे एस एक्स और उसकी सी एस एस उसके साथ साथ होगी हमेशा, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम दूसरे में, वेदर विजिट में। तो इसके अंदर भी अब हम क्या करेंगे, वेदर विजिट के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेदर विजिट डॉट जे एस एक्स बना लेंगे। ये क्या हुआ,
फोल्डर समहाउ मैंने डिलीट कर दिया, वेदर विजिट, और वेदर विजिट के अंदर एक नई फाइल वेदर विजिट डॉट जे एस एक्स, ठीक है, अब सही बन गई। और इसी तरीके से मेरे पास इसी नाम से एक सी एस एस की फाइल डॉट सी एस एस, ठीक है जी। तो ये एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया मेरा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगला काम, अगला काम ये करना है कि हमने इस होम के कंपोनेंट को क्या कर देना है, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना है। मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, ये जस्ट एक कंपोनेंट होगा जैसा कि मुझे पता है। अच्छा, ES5 वाला फंक्शन लिखना चाहूँ तो भी लिख दूँ, या कॉन्स्ट करके मैं क्या लिख दूँ, होम लिख दूँ और इक्वल्स टू ऐसे करके फंक्शन बना दूँगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक फंक्शन बना दिया और यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न करवा दिया, जे एस एक्स मैं लिख देता हूँ मैं, ठीक है, होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट हो गया ये। अच्छा, यहाँ होम कंपोनेंट बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अभी होम पे मैंने कोई सी एस एस वगैरह नहीं लगाई, ऐप डॉट जे एस में जाऊँगा और ये सारा कुछ यहाँ से क्या कर दूँगा, उड़ा दूँगा। और ये सारा कुछ यहाँ से उड़ाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा कि भाई क्या कर दो आप होम कंपोनेंट को जो है ना यहाँ पे, हाँ इम्पोर्ट तो करूँगा ना अभी मैं वो, सही है, ये इम्पोर्ट हो गया, इम्पोर्ट तो कर दूँगा ना थोड़ी देर में। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो ऐप का कंपोनेंट है इसके अंदर कोई अपना खुद का काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ना ही मैं इंडेक्स के अंदर अपना खुद का कोई काम कर रहा हूँ। इंडेक्स के अंदर देखो आप पहले ही कुछ सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा, तो अभी इस ऐप डॉट जे एस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम कर रहे होंगे, ठीक है। ऐप डॉट जे एस में हम खुद का कंपोनेंट नहीं लगाते हैं, ऐप डॉट जे एस के अंदर हम जस्ट एक मेन कंपोनेंट को लाकर रेंडर करवाते हैं। तो ऐप डॉट जे एस में फिर हम आखिर काम करते क्या हैं वो हम बाद में सीखेंगे। होपफुली जब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा ऐप डॉट जे एस में, राउटिंग में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जी ऐप डॉट जे एस में ना अच्छा ये चीज़ें ऐप डॉट जे एस के अंदर करनी पड़ती हैं। तो ऐप डॉट जे एस एक्स जो है या जे एस जो है वो इट सेल्फ 250 लाइन का मिनिमम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर हम वो सारे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको रिटर्न का कीवर्ड लगाने की भी शायद मुझे ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये सिंगल लाइन है। तो मैं कह देता हूँ कि जी कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स, ठीक है, और ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। स्टिल अ फंक्शन, सब लोगों को समझ आ रहा है ये क्या हुआ है, कि एक मैंने फंक्शन बनाया ऐप के नाम से, ठीक है, ये फंक्शन एरो फंक्शन है और क्योंकि इसमें एक ही लाइन में रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट लास्ट में आखिर में होता है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस एक्सपोर्ट को यहीं पे भी लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे भी लगा सकता हूँ, फिर मुझे कॉन्स्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया इसको, लेकिन ये एक्चुअली इतना शॉर्ट ये होगा नहीं, क्योंकि जब हम इसमें कुछ दूसरी चीज़ें करेंगे ना तो इस कंपोनेंट के अंदर मजीद कोडिंग होगी, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करके इसको पहले जैसा बना देता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट की लाइन हम इसकी अलग ही लिख रहे होंगे और होपफुली इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे करके ना मल्टी लाइन में करके और यहाँ पर ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन चलो इसको अभी रहने देते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं कर रहा मैं, थोड़ा सा मैंने इसको लंबा चौड़ा ही रखा है। अच्छा, तो अब ऐप जो डॉट जे एस की फाइल को हम अभी आज की क्लास में अब दोबारा हम ओपन नहीं करेंगे, ऐप डॉट जे एस को मैंने कर दिया बंद, ठीक है। अब हम आ जाते हैं होम के अंदर, होम के अंदर जो मैंने लिख दिया है तो ये स्क्रीन पे दिख जाना चाहिए, क्योंकि होम का जो कंपोनेंट है ये मैंने क्या करवा दिया है, ऐप डॉट जे एस के अंदर रेंडर करवा दिया है। तो यहाँ पर आके मैं देख लेता हूँ ज़रा क्या कह रहा है, ये होम नहीं मिल रहा इसको। अच्छा, वो होम के अंदर वो भी तो है ना, हाँ होम का एक तो एच स्मॉल है, ठीक है, दूसरा एच स्मॉल होने के अलावा होम के अंदर स्लैश करके वो भी तो है ना, होम डॉट जे एस एक्स भी तो है, तो वो पाथ पूरा नहीं था, वो पाथ थोड़ा कम था वो। अब ये क्या कह रहा है, नहीं एक्सटेंशन देने की ज़रूरत भी नहीं होती, हाँ होम को मैंने बना तो दिया लेकिन मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, होम, ये मैंने काम नहीं किया था जिसकी वजह से वो एरर आ रहा था, अपसेट हो गया ये। यहाँ पे अभी भी कुछ एरर मौजूद है और वो क्या है, सही है, पुराना एरर था वो, ठीक है, ख़त्म हो गया।
अच्छा जी, अब मेरा ये कंपोनेंट क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। अच्छा, इस होम कंपोनेंट के अंदर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब इसके अंदर मैं एक छोटा सा बनाऊँगा फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या बनाऊँगा, एक अदद फॉर्म बनाऊँगा मैं। अच्छा, फॉर्म मैं पहले बना चुका हूँ शायद, नहीं पहले नहीं बनाया, मैं पहले एक फॉर्म बना देता हूँ, ठीक है जी। और इस फॉर्म के अंदर क्या बना देता हूँ जी, लेबल। अच्छा, लेबल के अंदर आप देखें फॉर की जगह ना यहाँ पे HTML फॉर आता है, ठीक है। तो ये वाला भी एट्रीब्यूट में फॉर लिखते हैं, लेकिन प्रॉप के अंदर इसका नाम चेंज है। इस तरह कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेंज है, वो इंटेलिजेंस में आपको होपफुली मिलती रहेगी, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ AWS बिल्डर, क्या है ये, AWS कोड विस्परर, ये आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये थोड़ी थोड़ी सजेशन ना अच्छी सी देता है, AI बेस्ड, जो को पायलट आया था ना GitHub का, उससे सिमिलर चीज़ है और फ्री है फिलहाल के लिए ना, ठीक है। को पायलट भी शुरू में फ्री था वैसे, तो ये देखते हैं पता नहीं कब तक फ्री रखते हैं ये। इसके अंदर वैसे पैकेजेस हैं अलग अलग, ठीक है। को पायलट में ये था कि वो बिल्कुल ही फ्री था, तो उसमें भी होपफुली इनको यही करना चाहिए था कि उसमें ज़रा पैकेजेस रख देते, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको पूरा पेड कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो HTML फॉर करके मैंने क्या लिखना है, सिटी का नाम एक्चुअली मैं लेना चाह रहा हूँ ना यूज़र से इनपुट। तो मैंने बोला कि यार इनपुट के ऊपर ID देनी पड़ेगी मुझे, फिर यही सिटी नेम इनपुट, सही है ये। ID में थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव डाल रहा हूँ, तो ID थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि कंपाइलेशन के टाइम पे इसको वैसे भी मिनीफाई कर देता है, छोटा कर देता है। अच्छा, टाइप इसकी मैंने कर दी टेक्स्ट, और मैंने इसको क्या कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। और रिक्वायर्ड के अलावा मैंने इसको क्या कर दिया, और नहीं ऊपर लेबल तो लगाया हुआ मैंने, चलो लेबल के अंदर तो कुछ लिखा ही ना मैंने, सिटी नेम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया लेबल के अंदर। अच्छा, और इनपुट के अंदर मैंने, हाँ, मिन लेंथ इसके अंदर लगा देता हूँ मैं, ठीक है। मिन लेंथ भी किस में होगा, कैमल केस के अंदर होगा। और मिन लेंथ में मैंने कहा कि भाई कम से कम ना 2 कैरेक्टर से कम की बात नहीं लिख सकते आप, ठीक है। और उसके बाद मैंने लगा दिया मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ में मैंने कह दिया कि भाई 20 कैरेक्टर, चलो ठीक है 20 कैरेक्टर जस्टिफाइड है। और इसको मैं कोशिश करता हूँ कि लाइन्स को ब्रेक कर दूँ मैं। अच्छा, रिक्वायर्ड लगा दिया मैंने, और सब कुछ ओके हो गया। अब इसमें मुझे चाहिए क्या, एक अदद बटन चाहिए। मैंने कहा कि जी BR लाइन को चेंज करो और एक अदद बटन लगा दो। बटन के अंदर गेट वेदर लिख दिया मैंने, ठीक है। सबमिट भी लिख सकता था। अच्छा, टाइप सबमिट इसमें लगाना मेरे लिए ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं है। अगर फॉर्म के अंदर एक ही बटन है तो उसको बाई डिफ़ॉल्ट वो समझ जाता है कि ये सबमिट का बटन है, लेकिन अगर सबमिट का बटन लगा दें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, ये कर दिया हमने। अब क्या होगा जी, जब ये मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो एक फंक्शन चलाना है मुझे उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, उस फंक्शन के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऑन सबमिट लगा देना है। ऑन सबमिट क्या होगा जी, एक कैमल केस के अंदर होगा, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन का नाम लिखूंगा, ठीक है। मैं यहीं पे भी बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो अच्छा खासा 4-5 लाइन 6 लाइन से ज़्यादा का फंक्शन होगा, ठीक है। जब फंक्शन हमारा 1 लाइन का होता है या 2 लाइन का होता है तो हमारे पास प्रेफरेंस क्या होती है कि हम वहीं पर बना दें, ठीक है। लेकिन अगर 1-2 लाइन से या 3 लाइन से ज़्यादा का फंक्शन है तो फिर हम उसको इन लाइन कोशिश करते हैं कि ना बनाएं। तो मैंने कहा कि यार सबमिट हैंडलर, ठीक है, सबमिट हैंडलर के नाम से मैंने ये एक बना दिया। अच्छा, अब इस फंक्शन को मैं बनाऊंगा कहाँ पर, मैं इस फंक्शन को कंपोनेंट से बाहर भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। कंपोनेंट के अंदर जो फॉर्म है और उसके कंपोनेंट के अंदर मौजूद फॉर्म के सबमिट होने पे जो फंक्शन चलेगा, वो फंक्शन भी कंपोनेंट के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा कंपोनेंट रीयूजेबल नहीं रहेगा। अच्छा, ये कंपोनेंट वैसे भी मैं रीयूजेबल नहीं है मेरे केस में, है ना, हर कंपोनेंट रीयूजेबल जहन में रख के मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन स्टिल अगर रीयूजेबल नहीं भी है ये फंक्शन मेरा, जब भी मैं क्या करूँगा के फंक्शन जो है ना, मैं इसका बाहर नहीं करूँगा, इसे अंदर ही रखूँगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि रीयूजेबल नहीं है, या इस फंक्शन की रीयूजेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे वंस ये कंप्लीट हो जाएगी ना ऐप, तो इस फंक्शन ये जो कंपोनेंट है, मैंने अभी 2 कंपोनेंट बनाए अपने ऐप में, तो इन दोनों कंपोनेंट्स की रीयूजेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये बात ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि क्यों मैं ये बात कह रहा था कि ये फंक्शन मैंने जो बना रहा हूँ इस वक्त में, ये कंपोनेंट ये रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं है मेरे केस में, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं ये करूँगा, इस फंक्शन को अंदर ही बनाऊँगा मैं। तो मैंने कहा कि जी कॉन्स्ट और सबमिट हैंडलर, और ये एक फंक्शन मैंने बना दिया, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले जो इवेंट के ऊपर मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दूंगा,
ठीक है, और प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाने से क्या होगा, इसका सबमिट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा, यानी कि पेज रिफ्रेश होना और फॉर्म का रीसेट होना खुद से, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी, तो इतना काम मैंने कर लिया है। अब आके ज़रा मैं देखता हूँ यहाँ पे कि क्या कुछ हो चुका है मेरे पास। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई बगैर कुछ लिखे पहले तो सबमिट करता हूँ, तो ये मुझे मना कर रहा है क्योंकि हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। एक कैरेक्टर लिखता हूँ तो ये कहता है भाई मिनिमम दो कैरेक्टर मुझे चाहिए, ठीक है, और अगर मैं 20 से ज़्यादा कैरेक्टर लिखता हूँ तो ये मुझे लिखने नहीं देता है, और सबमिट दबाता हूँ तो ये सबमिट हैंडलर का फंक्शन चल जाता है। तो मैंने जो भी काम अभी तक किया है वो सारा का सारा काम क्या कर लिया, मैंने वेरीफाई कर लिया कि वो काम पूरा मेरा ठीक हुआ है और वो सही काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने अब आके API कॉल करनी है। सही है, API कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इम्पोर्ट करूँगा एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, अच्छा इसको मुझे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, अभी मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है। आते हैं ज़रा इसको चलती हुई ऐप को मैं रोकता हूँ, और sudo npm i exios एंटर। ठीक है जी, ये exios इंस्टॉल हो गया, और मैं दोबारा से क्या कर देता हूँ, npm स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मेरी ऐप जो बंद हो गई थी वो दोबारा से क्या हो जाए, चल जाए। अच्छा, एक्सियोस मेरे पास जैसे ही यहाँ पर आ गया है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं बोलता हूँ कि जी एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है, वेदर API कॉल करने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, वेदर हमने ऐप एक बहुत पहले भी बनाई थी ना, तो उसी में से ज़रा API मैं उठाना चाह रहा हूँ। वेदर ऐप हमने HTML के ज़माने में बनाई थी ना एक दफ़ा, ये आ गई जी ऐप। इसके अंदर से मैं क्या कर देता हूँ, वो API उठा लेता हूँ। ये जो है ना पूरी API कॉल आ गई, और ये पूरा फंक्शन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, मैंने ये जस्ट इसलिए कॉपी कर लिया ताकि मुझे दोबारा से जो है ना उस पूरे उस पर ना जाना पड़े। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई, सिटी का नेम आ गया, API की आ गई मेरे पास, और एक्सियोस डॉट गेट और डॉट देन इसमें मैंने कॉल किया। लेकिन अब की बार मैं क्या करूँगा, मैं देन कॉल नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा इसको एसिंक बना लूँगा, इसको एसिंक फंक्शन बना लूँगा, और मैं क्या करूँगा अवेट लगा के कॉल करूँगा, और मैं कहूँगा कि जी कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट। ठीक है, और ये देन के ऊपर जो भी काम है इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैच के अंदर भी जो बात लिखी हुई है अब मैं उसको कैसे लिखूँगा, कैच ऐसे करके लिखूँगा अब मैं इसको। ठीक है, और इस पूरे को मैं क्या करूँगा, ट्राई के ब्लॉक में डालूँगा। ठीक है जी, यार ये क्या हो रहा है इंडेंटेशन में। सही है जी, तो मेरा ये अगेन सबमिट हैंडलर का जो फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन के अंदर क्या हुआ हुआ है, इस फंक्शन के अंदर ये हुआ हुआ है इस वक्त कि पहले मैंने प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट किया, उसके बाद एक कॉन्सोल लगा दी कि सबमिट हैंडलर है। उसके बाद मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक के अंदर API की मौजूद है और दूसरे के अंदर सिटी का नाम मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब जावास्क्रिप्ट की ऐप में तो मैं क्या करता था कि बहुत ही सिंपली मैं क्वेरी सेलेक्टर से ID के ज़रिए मैं नाम उठा लेता था। ठीक है, मैं इसके अंदर भी ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक्सियोस को अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एक्सियोस वाले कोड को। पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि ये क्या मुझे सिटी नेम में, इसमें सिटी नेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, सिटी नेम और सिटी नेम, ठीक है, इसी नाम से ID है ना मेरे पास, सिटी नेम इनपुट है ये एक्चुअली मेरे पास। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, सिटी नेम इनपुट है और डॉट वैल्यू है। तो इस तरह करने से क्या मुझे सिटी नेम मिल जाता है या नहीं मिल जाता, देख लेते हैं। अरे क्या कर दिया मैंने, सिटी नेम सही तो है नहीं, यहाँ तो सिटी नेम है ना, ये एरर में बोल क्या रहे, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। मैंने कहीं पे ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दिया, इस जगह पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दिया मैंने, यार
9 नंबर देख लेते हैं किस पे एरर आ रहा है। होम कंपोनेंट के अंदर ही कोई एरर है। प्रॉमिस अच्छा मैंने मिस्टेक ये की है कि मैंने एसिंक जो है ना बजाय सबमिट हैंडलर पे लगाने के मैंने कंपोनेंट पे लगा दिया, ठीक है, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, मैंने एसिंक यहाँ लगाना था सबमिट हैंडलर के अंदर, मैंने वो एसिंक क्या कर दिया था, होम के कंपोनेंट पे लगा दिया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गई थी वो ऐप पागल हो गई थी। अब क्या एरर है, सिटी नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो सिटी नेम नहीं डिफाइन है। अच्छा, ये सिटी नेम वाली लाइन को मैंने कॉमेंट किया था ना। ठीक है जी, सब सेट हो गया। तो मिस्टेक मैंने क्या की थी, ए सिंक मैंने कंपोनेंट के फंक्शन के ऊपर लगा दिया था गलती से। तो ये इसको मैंने ए सिंक बना लिया और अब मैं करके आ रहा हूँ, मैं सिटी नेम को गेट कर रहा हूँ क्वेरी सेलेक्टर के ज़रिए। और इसमें ये ऑब्वियसली मुझे मिल तो जाएगा, लेकिन दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इन रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर इस काम को करने का एक मुख्तलिफ तरीका मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये सिटी नेम मुझे मिल रहा है। अच्छा, इस तरह नेम गेट करने में कोई ज़्यादा मुजायका नहीं है, लेकिन ये कि इसके अंदर एक बेहतर तरीका मौजूद है इसी काम को करने का। वो बेहतर तरीका क्या है, नंबर एक मैं यहाँ पे बनाऊँगा स्टेट कॉन्स्ट सिटी नेम कॉमा सेट सिटी नेम, और मैंने ये कर दिया पहले। ठीक है, स्टेट बना दी मैंने ये। अच्छा, अब जबकि मैंने स्टेट बना दी है तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ इनपुट के ऊपर जाके मैं एक ऑन चेंज लगाऊंगा। ठीक है, और ऑन चेंज के अंदर मैं एक छोटा सा फंक्शन यहीं पे बना दूंगा, क्योंकि ये फंक्शन मेरा कितने का है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का। और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, मुझे इवेंट मिलेगा ज़ाहिर है इसके अंदर। ठीक है, ऑन चेंज का इवेंट मिलेगा, और इस ऑन चेंज के इवेंट के अंदर मैं बोलता हूँ कि सेट सिटी नेम और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये ऑन चेंज का मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या कर रहा है ये फंक्शन, ऑन चेंज पे जब ये पूरा फंक्शन चलता है तो मुझे इवेंट मिलता है। और आप हम इवेंट का चैप्टर हमने जावास्क्रिप्ट में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, किसी ने अगर वो मिस की थी तो जाके उसकी रिकॉर्डिंग देख सकता है। तो इवेंट क्या होता है कि किसी भी कोई भी हैपनिंग होती है मेरी पूरी ऐप के अंदर, तो उसका इवेंट मुझे मिलता है। और उस इवेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मुझे पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट मिलता है जो इवेंट हुआ है, बल्कि जिस एलिमेंट के ऊपर हुआ है या जिस कंपोनेंट के ऊपर हुआ है, वो पूरा का पूरा एलिमेंट, उसका चाइल्ड और उसका तमाम चाइल्ड, उसके तमाम पेरेंट्स, ये सब मिल रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, यानी तमाम पेरेंट का मतलब पेरेंट, उसके ऊपर पेरेंट, उसके ऊपर पेरेंट, तो मैं पूरे को गेट कर सकता हूँ। तो इस इवेंट के अंदर ना, क्योंकि इस इनपुट के ऊपर मैंने ये ऑन चेंज लगाया है, तो जब भी इस इनपुट में कोई चीज़ बटन प्रेस करूँगा, मैं कोई भी चेंज करूंगा इस इनपुट के अंदर, तो ये ऑन चेंज का फंक्शन एक दफ़ा चलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर मलिक लिखता हूँ MALIK, तो ये वाला ऑन चेंज का फंक्शन 5 दफ़ा चलेगा, और पांचों दफ़ा क्या मिलेगा मुझे, ये पूरा का पूरा इनपुट का ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, ये एलिमेंट पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, और वो कहाँ मिलेगा, इवेंट डॉट टारगेट करके। इवेंट डॉट टारगेट का मतलब क्या होता है कि जिस एलिमेंट पर जो चीज़ हुई है ना, वो टारगेट होता है मेरा, तो मुझे टारगेट के अंदर वो पूरा का पूरा मिल जाता है। और डॉट वैल्यू करता हूँ तो उस, यानी जैसे समझ लो यहाँ पे मैं डॉट वैल्यू कर रहा हूँ ना, इस तरह करके ही ये समझ लो इवेंट और टारगेट में पूरी ये चीज़ मिलती है मुझे, और डॉट वैल्यू करता हूँ तो वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, इसके करने से अब हुआ क्या, हुआ ये कि मेरे पास पेज लोड होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इस स्टेट की जो वैल्यू है वो क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। जैसे ही मैं इसके अंदर आके ए प्रेस करूँगा तो स्टेट में वो ए हो जाएगा। ठीक है, और एट एनी गिवन टाइम जब मैं मिसाल के तौर पे सबमिट का बटन दबाता हूँ, तो मुझे इस फंक्शन के अंदर सिटी नेम में ऑलरेडी वो मिल रहा होगा, स्टेट ऑलरेडी मुझे मिल रहा होगा। ठीक है, मुझे ये ऐसे गेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया मैंने और यहाँ पे क्या है, ABCD लिखा, और मैं गेट वेदर दबाऊँगा तो ये देखो आप सिटी नेम में ABCD मिल गया। बट ये वाला सिटी नेम जो है वो कौन सा है, ये सिटी नेम, ये मेरा वाला वेरिएबल नहीं है, ये स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि मैंने सेम नाम से स्टेट वेरिएबल बना दिया। ठीक है, किसी और नाम से भी बना सकता था, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैंने सेम नाम से स्टेट वेरिएबल बना दिया, तो यहाँ पे मुझे स्टेट में हर वक्त ये सिटी नेम क्या होगा, इसी तरह से मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला तरीका भी रिकमेंडेड नहीं है।
ठीक है। इसके साथ भी मैं लिख देता हूँ नॉट नॉट रेकमेंडेड रेकमेंडेड, ठीक है जी। और इसके साथ भी मैं लिख देता हूँ कि जी नॉट रेकमेंडेड, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं लिख रहा कि स्टेट बनाना तो रेकमेंडेड है, लेकिन स्टेट हम सिर्फ किन चीज़ों के लिए बनाते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम स्टेट उन चीज़ों के लिए बनाएं, उस डेटा को स्टेट में रखें जो मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, और वो चेंज भी होगा, ठीक है। अगर तो कोई ऐसा डेटा है जो जस्ट मैंने डिस्प्ले कराना है, बाद में कभी भी चेंज नहीं होगा, तो उसको भी मैं स्टेट में नहीं रखूँगा, ठीक है। क्योंकि जो स्टेट जितने दफ़ा मैं सेट स्टेट करता हूँ, उतनी दफ़ा क्या होता है, कंपोनेंट मेरा री रेंडर होता है, तो मेरे जितने ज़्यादा री रेंडर्स होंगे ना, उतनी ज़्यादा मेरी प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा, और उतनी ज़्यादा मेरी ऐप क्या होगी, हैवी होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये एक रिसोर्स है। जैसा कि हमने सर्वर पढ़ते हुए देखा था कि जी रिसोर्स को ना हमने बड़ा केयरफुली यूज़ करना होता है। अगर हमारे पास बहुत अच्छे प्रोसेसर अब अवेलेबल हैं, हमारे पास i7 और 12-12 कोर के और 18-18 कोर के प्रोसेसर अगर अवेलेबल हैं, तो इट डजेंट मीन कि हम उस रिसोर्स को एहतियात से इस्तेमाल ना करें, ठीक है। हमें स्टिल उस रिसोर्स को एहतियात से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि मेरी ऐप जब कोई बंदा यूज़ करेगा, तो जितना भी उसके पास अच्छे से अच्छा कंप्यूटर हो, अगर मैंने रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया हुआ है, तो ऐप स्लो डाउन करेगा कभी ना कभी, ठीक है। या उस ऐप के चलने की वजह से ओवरऑल उसकी डिवाइस की परफॉर्मेंस डाउन होगी, तो आपकी ऐप के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप आप सब लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप चलने से फ़ोन कभी स्लो डाउन होता है? नहीं होता। स्काइप यूज़ करके देखो कभी क्या होता है, ठीक है। स्काइप की जो ऐप है, वो आईफोन के अंदर भी और एंड्रॉयड के अंदर भी, वो ऐसे रो रो के उठती है, चाहे आप जितने अच्छे से अच्छा फ़ोन आप ले आओ, है ना, अच्छे से अच्छा। अभी तो एंड्रॉयड में पता नहीं 10-10 GB रैम आ गई है ना, नॉर्मली अब हो गया वो, कि 40-50 हज़ार वाले जो फ़ोन है उसमें 8 GB रैम होती है नॉर्मली, ठीक है। इसी तरह जो आईफोन है जो नए वाले, वो इतने हैवी हो गए हैं उसके प्रोसेसर के, यानी इसका डेस्कटॉप कंप्यूटर का मुकाबला करते हैं वो, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो i9 का जो प्रोसेसर है उससे ज़्यादा तेज़ उनके मोबाइल का प्रोसेसर है, लेकिन स्काइप की ऐप वो रो रो के उठती है भाई, नए वाले आईफोन पे भी और अच्छे वाले एंड्रॉयड पे भी और इवन डेस्कटॉप के अंदर भी। क्यों? अब पता नहीं क्यों भाई, क्या उन्होंने अंदर गड़बड़ की है, और उसको पता नहीं सही भी क्यों नहीं करते। मैं उसको 10 साल से उसको देख रहा हूँ स्काइप, बल्कि 10 साल क्या, मैं और पहले से देख रहा हूँ, वहीं की वहीं खड़ी हो, एकदम उठती है ऐसे रो रो के उठती है, ऐसे हिलती रहती है। अपवर्क की ऐप, अपवर्क जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, उसकी जो ऐप है मोबाइल की, वो भी ऐसी ही फारिग है बिल्कुल, ऐसे रो रो के ऐसे झूमते झूमते आती है। अबे बंदा वेट कर रहा है, मैसेज किया उसने, मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब वो मैसेज की स्क्रीन खुलने में इतना टाइम लगाती है, डेस्कटॉप में भी और मोबाइल में भी। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया हुआ अंदर। और व्हाट्सएप सही चलता है, बिल्कुल ज़बरदस्त चलता है, इंस्टाग्राम बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, कोई मसला नहीं है उसमें, टिकटॉक तो उड़ रहा है, भाग रहा है। टिकटॉक खुलने से पहले ही उसका वीडियो चल पड़ता है। तो तरीके जो है नॉट रेकमेंडेड है, ये किस लिए नॉट रेकमेंडेड है? इनपुट फील्ड से वैल्यू को उठाने के लिए ये दोनों तरीके नॉट रेकमेंडेड हैं, ठीक है। रिएक्ट के अंदर एक तीसरा भी तरीका मौजूद है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम ये काम करते हैं, और वो तरीका क्या है, वो है रेफ। अभी क्या, अब क्यों एरर दे रहा है ये? अच्छा, अभी भी ये सिटी नेम जो मैंने यहाँ पे कॉन्सोल पे लगाया हुआ है ना, और ये है नहीं, इसकी वजह से दे रहा है ये। ठीक है जी, आ जाओ अब रेफ चेक करते हैं। रिएक्ट रेफ, ये आ गया जी रेफ, ठीक है। रेफ का मुझे सिंटैक्स याद नहीं है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। अच्छा जी, चलो 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 आगे बढ़ो। हाँ जी, इस तरह से हम रेफ को क्रिएट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टेट की तरह ही ऑलमोस्ट वो क्रिएट हो रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। यूज़ रेफ मैं ऊपर से इंपोर्ट, जैसे यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करता हूँ, ऐसे ही यूज़ रेफ को भी मैं इंपोर्ट करता हूँ ऊपर से, ठीक है। और ऐसे यूज़ रेफ करके मैंने नल ऐसे बना लिया कि शुरू में जी क्या होगा, ये नल होगा, ठीक है। और अगला काम मैं क्या करूँगा, अगला काम जाके मैं ये करूँगा कि मैं इनपुट के ऊपर ना ऐसे ही रेफ लगा दूँगा ये वाला, ठीक है। इनपुट पे मैं ऐसे ही रेफ अटैच कर दूँगा जाके। अच्छा, आओ इनपुट पे रेफ अटैच कर देते हैं। ये जो ऑन चेंज है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये ऐसे क्या किया मैंने, ये यहाँ से मैंने कॉपी नहीं किया, ठीक है। रेफ को मैंने ऐसे अटैच कर दिया। अच्छा, रेफ का जो मेरा नाम है, वो नाम क्या रखना चाह रहा हूँ मैं नाम इसका रखना चाह रहा हूँ कि सिटी नेम इनपुट, ये नाम रखना चाह रहा हूँ,
अच्छा सिटी नेम रेफ बल्कि ना रेफ वुड बी मोर अप्रोप्रिएट ताकि मुझे नाम से ही पता चल जाए कि ये रेफ है। ठीक है जी रेफ हो गया, इसको जब अटैच करूँगा तो इसी नाम से अटैच कर देता हूँ। ठीक है सिटी नेम रेफ नाम रख दिया मैंने। अच्छा ये ऑन चेंज का जो फंक्शन है ये अब ज़ाहिर है एरर देगा क्योंकि अब तो स्टेट तो मौजूद है नहीं, तो मैं इस पूरे के पूरे को ना मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ। ठीक है आते हैं जी अब यहाँ पे, यार ये इस तरह से कमेंट भी करने नहीं देता ना। अच्छा तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक रेफ तैयार हो गया इधर और इस रेफ को मैंने क्या कर दिया अटैच कर दिया मेरे इनपुट फील्ड से। अच्छा अब इसको मैं गेट कैसे करूँगा, तो मैं करूँगा कि सिटी नेम रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, ऐसे करके मैं इसको गेट करूँगा। अच्छा अब ये क्या भला है ये करंट डॉट वैल्यू, थोड़ी देर में देखते हैं, पहले तो ज़रा चेक करें कि मिलना शुरू हो गया कि नहीं हो गया। मैंने कहा कि यार कराची और एंटर, तो ये मुझे सिटी नेम के अंदर जो है ना ये कराची मिलना शुरू हो गया किस पे, होम डॉट जे एस एक्स लाइन नंबर 16 के ऊपर, होम डॉट जे एस लाइन नंबर 16 के ऊपर मैंने इसको इस तरह करके यहाँ पे वो करवाया हुआ है। ठीक है आ जाओ अब ऊपर देख लेते हैं अब ये हो क्या रहा है। देखो ये जो रेफ है ना ये स्टैंड्स फॉर रेफरेंस, एक्चुअली ये रेफ मैंने जो बनाया ये असल में एक स्टेट वेरिएबल ही है। ठीक है ये असल में एक स्टेट वेरिएबल ही है, इंटरनली काइंड ऑफ ये स्टेट की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर एडिशनल फैसिलिटी ये है कि ये जो डॉम के जो एलिमेंट्स हैं जो डॉम के ऊपर जाहिर है वो एज ए एलिमेंट ही रेंडर हो रहा होता है, तो डॉम की मैनिपुलेशन के लिए या डॉम का कोई एलिमेंट स्टोर कराने के लिए काम आता है। ठीक है जैसा कि हम क्या कर रहे होते थे पहले कि हम आईडी देते थे और हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसको पूरा उठाते थे। ठीक है इसको हम क्या करते हैं हम डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। अच्छा इस समय क्या हुआ वो मेरा ऑन चेंज वाला फंक्शन मुझे खुद से नहीं लिखना पड़ा, वो इसको खुद ही समझ आ गया। अच्छा ना सिर्फ ये बल्कि मुझे बाद में जैसे अब इसका मतलब है सिटी नेम रेफ के अंदर ना वो पूरा का पूरा एलिमेंट मौजूद है, तो मैं सिटी नेम रेफ के ऊपर डॉट लगा के जो एलिमेंट पे करने वाले तमाम के तमाम काम है वो इस पर मैं कर सकता हूँ। जैसा कि जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख रहे होंगे इसने फोकस का जिक्र किया हुआ है। ठीक है ऊपर मैं जाता हूँ तो ये कहता है कि यार किसी भी टाइम पर ना, अच्छा ये ज़रा एग्जाम्पल जो है ना क्लास कंपोनेंट वाली है तो इसको इग्नोर करना कि ये दिस क्या चीज़ है। अच्छा बहरहाल ये रेफ है डॉट करंट डॉट फोकस तो उस पर फोकस हो जाएगा है ना। डॉम के ऊपर हम करते थे ना कि जी फोकस मेरा फला एलिमेंट पे लेके चले जाओ या फला एलिमेंट के ऊपर फला चीज़ कर दो, डॉम की मैनिपुलेशन है, कोई स्टाइल एडिशनल मैंने अप्लाई करना है। ठीक है उसको उसको बटन को क्लिक करना है, इस तरह की कोई चीज़ करनी है। ठीक है तो उस तरह मैं ये सारा काम इसके ऊपर मैं कर सकता हूँ। आ जाओ वापस, अच्छा जी तो ये रेफ मेरे पास आ गया। अच्छा इस रेफ के ऊपर मैं अभी फ़िलहाल वैल्यू उठा रहा हूँ लेकिन मैं बाकी सारे काम भी जैसा कि हमने देखा वो हम कर सकते हैं। अच्छा इस रेफ के अंदर एक बेनिफिट और भी है कि जब हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो रिएक्ट के अंदर हो नहीं सकती, सही है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्योंकि रिएक्ट के ऊपर जब आप होते हो खड़े हुए तो रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम होता है। ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट आपको बोलता है कि नहीं यार आप रिएक्ट वे में करो। ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें जो आप रिएक्ट में मतलब ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, ये बात है कि आप उस तरह करते नहीं हैं आप। ठीक है डॉम के ऊपर जो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जैसे हम वो अपेंड चाइल्ड वगैरह वाली चीज़ें करते थे तो वो इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है ना करने की, मैं क्यों करूँगा भाई अपेंड चाइल्ड, जब मैं नीचे जे एस एक्स में लिख सकता हूँ डायनेमिकली सारी चीज़ें तो मैं अपेंड चाइल्ड या कोई क्रिएट एलिमेंट में क्यों करूँगा। ठीक है क्रिएट एलिमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो सारा बना ही रहे हम कस्टम एलिमेंट्स हैं सारे कस्टम कंपोनेंट। तो जब हम गेट एलिमेंट बाई आई डी करके करते हैं ना तो मुझे क्या होता है वो पूरा का पूरा एलिमेंट मिलता है उन तमाम मेथड्स के साथ जो डॉम के सारे मेथड्स हैं। ठीक है अच्छा क्यों जब हम एक एलिमेंट उठाते हैं ना डॉट डॉट लगा के उस पर एक लाख चीज़ें होती हैं, पता नहीं डॉट डॉट लगा के डॉट क्रिएट और डॉट पेरेंट और डॉट नॉड और पता नहीं क्या किया, जब हम इस तरह से रेफ उठाते हैं ना तो इसमें वो सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं। सही है मुझे इसके अंदर सिर्फ वो चीज़ें मिलती हैं जो रिएक्ट के अंदर मैं मोस्ट कॉमनली यूज़ करता हूँ या रिएक्ट के अंदर उनकी ज़रूरत होती है, मुझे वो चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है एक रेफ के ज़रिए किसी एलिमेंट को गेट करने में और आईडी के ज़रिए जो हम गेट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो इन दोनों तरीके से एलिमेंट को गेट करने में क्या डिफरेंस है ये आप मज़ीद इंटरनेट पर भी इसको स्टडी कर सकते हैं जाके। ठीक है
तो मैंने ये वैल्यू उठा ली सिटी नेम के अंदर और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो अब मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे सिटी नेम की वैल्यू को गेट करना होगा मैं ये वाली बात लिखूँगा तो मुझे वो मिल जाएगा। अच्छा, अब अगला काम ये था मेरे वो API कॉल वाली चीज़, इसको मैं ज़रा अनकमेंट कर लेता हूँ और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। ठीक है जी, सिटी नेम हो गया यहाँ पे। ये नॉट रिकमेंडेड वाले सारे मैं एक जगह करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये सबमिट के अंदर मैं ज़ाहिर है गेट करूँगा। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यार, इसकी बस पता तो लग गया ना और रिकॉर्ड पे भी आ गया वो। सबमिट हैंडलर का कंसोल भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है भाई कंसोल चल रहा है। ठीक है, सिटी नेम जब प्रिंट हो रहा है तो वो फंक्शन चल रहा है। ठीक है जी, ज़रा मैं सबमिट हैंडलर के फंक्शन को मज़ीद क्लीन कर लेता हूँ। ओके, अच्छा जी, API की अलग से क्यों लिखी हुई है यहाँ पे मैंने? ठीक है, चलो ठीक है, अलग से लिखी हुई है। अच्छा, सिटी नेम जहाँ पे मैंने लिखना है वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? ये पूरा लिखूँगा सिटी नेम डॉट करंट डॉट रेफ लिखूँगा मैं। ठीक है, ये मैंने करंट डॉट रेफ लिख दिया। बाकी API कॉल बिल्कुल ठीक है, आई होप कि ये API की अभी तक वैलिड होगी तो ये चल पड़ेगा, अगर वैलिड नहीं होगी तो फिर हमें दूसरी API की बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, एग्जियोस्ट डॉट गेट की API कॉल कर रहा होता हूँ, एग्जियोस डॉट गेट लाइब्रेरी फंक्शन कॉल कर रहा होता हूँ। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको स्क्रीन पर मैं कंसोल कराता हूँ और कंसोल कराने के बाद जो मेरी HTML की ऐप से, क्योंकि मैंने कॉपी किया ही है तो उसमें हम रिजल्ट के नाम से डिव होता था उसमें उठा के ये सारा का सारा रिजल्ट प्रिंट करवाते थे। लेकिन अब की बार मैं क्या करूँगा, अब की बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा फिर, पहले ज़रा इतने को चलाते हैं, इस लाइन को कॉमेंट कर देते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन को मैंने कॉमेंट कर दिया, जस्ट अभी कंसोल करा लेता हूँ मैं कि भाई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आते हैं जी वापस हमारी ऐप के अंदर, इसको मैं कट करता हूँ, रिफ्रेश। अब क्या मसला है भाई, एरर इज़ नॉट डिफाइंड वेयर इट इज़। अच्छा, ये मैंने एरर लिखा है, यहाँ पे मैंने ई लिख दिया। ठीक है, आ जाओ, सेट हो गया ये। अब मैंने लिखा कराची, एंटर, तो जी मेरे पास कराची का वेदर जो है वो आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये वेदर मैंने क्या करना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। कैसे करवाऊँगा मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले? एक स्टेट वेरिएबल बनाऊँगा। ठीक है, एक स्टेट वेरिएबल बनाऊँगा मैं जिसके अंदर क्या रखूँगा मैं, कॉन्स्ट वेदर डेटा और सेट वेदर डेटा, और ये सेट हो गया। एरर क्यों आया? अच्छा, ये डबल क्यों हो गया लाइन, एक लाइन बिला वजह डबल हो गई थी। ठीक है, तो वेदर डेटा के नाम से मैंने एक स्टेट वेरिएबल बना लिया और इस वेदर डेटा के अंदर मैं वो डेटा रखवाऊंगा जो मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, यानी कि मेरी API से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, बड़ा सारा ऑब्जेक्ट जो है वो मैं क्या कर दूंगा, इसमें प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये प्रिंट हो गया जनाब। अब अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने ये करना है कि यहाँ पर आके इसके अंदर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ सेट वेदर डेटा और रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर जो पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास मिला है वो मैं क्या कर देता हूँ, इस स्टेट वेरिएबल के अंदर इसको मैं सेट करवा देता हूँ। ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब ये मेरे ऊपर की जो बिज़नेस लॉजिक थी ना, ये क्या हो चुकी है, ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये सबमिट हैंडलर का जो पूरा फंक्शन था मेरा, ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये फॉर्म के नीचे आके मैंने क्या करना है, एक HR लगा देता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल रूल, और हॉरिजॉन्टल रूल के बाद मैं क्या कर देता हूँ, एक यहाँ पे डिफ बना लेता हूँ और इस डिफ के अंदर क्या करता हूँ मैं, सिटी नेम, ठीक है जी, कंट्री नेम, और उसके बाद मैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और क्या प्रिंट करवाया जा सकता है, विंड स्पीड वगैरह XYZ, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। ठीक है, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि इसने ये सही लगाया है या नहीं लगाया, बल्कि चलो वेरीफाई क्या करते हैं, सीधा प्रिंट हो जाएगा, अगर गलत होगा तो प्रिंट ही नहीं होगा। अच्छा, अब देखो ये एरर क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है कि भाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर मैंने डॉट कंट्री लगाया और ये कह रहा है भाई वो तो चीज़ है ही अनडिफाइंड, उस पर डॉट कंट्री हम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे हो रहा है, ये इस जगह पे हो रहा है। ठीक है, अच्छा वेदर डेटा जो है उसका रीज़न ये है कि वेदर डेटा डॉट नेम जब मैं करता हूँ तो मुझे अनडिफाइन मिलता है, अनडिफाइन यहाँ पे जब आता है तो क्या होता है, उसको रिएक्ट इग्नोर कर देता है, अनडिफाइन को प्रिंट नहीं करता वो। अच्छा, लेकिन इस जगह पे क्या होता है कि वेदर डेटा डॉट SYS जब करता है ये तो इसको अनडिफाइन मिलता है, लेकिन मजीद जब उस पर डॉट कंट्री लगती है ना अनडिफाइन पे, तो ये कोड हो जाता है मेरा ब्रेक। ठीक है, या देसी जुबान में उसको बोलते हैं मेरा कोड फट जाता है। तो इसको मैं अपने कोड को बचाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नलिश ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा।
ठीक है, नलिश ऑपरेटर क्या करता है, कोड को ब्रेक होने से बचा लेता है, और ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो जहाँ जहाँ पे ये मैंने डॉट लगाया ना, जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नल हो सकता है, वहाँ वहाँ पे मैं क्या करूँगा, नलिश ऑपरेटर लगा दूंगा। ठीक है, नलिश ऑपरेटर लगाने की वजह से क्या होगा कि अगर वो चीज़ अनडिफाइन होगी ना, तो वहीं पर रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा वो। ठीक है, और नतीजा ये होगा कि मेरा कोड जो है वो बिल्कुल सही चलेगा। आप क्या कह रहा है, ये कैन नॉट रीड जीरो ऑफ अनडिफाइन, वाई इज दैट? नलिश ऑपरेटर भी लगा दिया, फिर भी मसला है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग जीरो। इसके ऊपर ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली इस पूरे ब्लॉक को हम कंडीशनल बनाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इतने पार्ट को रोक देता हूँ ताकि मेरी ये ऐप चल जाए, उसके बाद अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा, इस पूरे पार्ट को मैं कंडीशनल बनाऊँगा। ये पूरा पार्ट मैं रेंडर ही नहीं करवाता जब तक मेरे पास वेदर का डेटा नहीं आ जाता, ये पूरा पार्ट मैं रेंडर नहीं करवाता हूँ। ठीक है, अल्टीमेट इसका सॉल्यूशन ये है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये डेटा आ रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सिटी नेम के आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि स्टेट इस वक्त खाली है मेरी। ठीक है, स्टेट पे है ही नहीं, कंट्री के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, तो असूलन होना ये चाहिए कि ये पूरा पीस ही नज़र नहीं आना चाहिए ना मुझे, तो जब तक मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं ये पूरा वो ही ना दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पे या तो मैं लिखा हुआ दिखा दूँ नो डेटा, या प्लीज़ गेट डेटा फर्स्ट, इस तरह की कोई बात लिख दूँ, या कोई छोटा सा एम टी इनबॉक्स वगैरह टाइप का लोगो बना दूँ। वेल, तो मैं यहाँ पर कराची लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर वो सारा का सारा प्रिंट हो गया डेटा। ठीक है, इसका मतलब है जो विस्पर ने मुझे सजेशन दी थी वो बिल्कुल सही सजेशन दी थी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया जी, API कॉल आके यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, गुड, ओके, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। अब ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट नीचे मेरा, ये मेरा वो वेदर का कार्ड होगा ना पूरा, तो बेहतर ये नहीं है, बावजूद इसके कि मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, राइट? अच्छा, इसमें लेकिन एक काम हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो रेकमेंडेड वे है ना उसकी तरफ मूव करेंगे। अच्छा, वो काम क्या है, वो काम ये है कि जी ये पूरा पार्ट मेरा क्या होगा, कंडीशनल होगा। ये पूरा पार्ट मेरा कंडीशनल किस तरह से होगा, शुरू में मैं इसे स्टेट में नल रखवा देता हूँ, राइट? सही है, शुरू में मैंने इसे स्टेट में नल रखवा दिया, जो वेदर डेटा था ना मेरा उसके अंदर नल रखवा दिया। और मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार अगर मेरे पास वेदर डेटा जो है ना अगर हो क्वेश्चन मार्क, तो क्या करो, ये इतना पार्ट, अच्छा इसको पूरे को मुझे जावास्क्रिप्ट में करना होगा ना, इसको पूरे को मुझे जावास्क्रिप्ट में करना होगा ना, इतने पार्ट को ना। ठीक है, अगर वेदर डेटा हो तो ये वाला पार्ट, अदरवाइज ये वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे करके करते हैं ना। तो मैंने कहा कि यार ये वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर क्या कर दो, ये जो पूरी डिव है ना मेरी, ये जो पूरी की पूरी डिव है मेरी, वो उस वक्त दिखानी है जब वेदर का डेटा हो। जी नहीं, अभी टर्नरी से करो, सही है। अच्छा, अदरवाइज मैं बोलूंगा कि एक और डिव यहाँ पे, ठीक है, नो डेटा, सही है, जस्ट लाइक दैट। अब क्या होगा, जब मेरा पेज लोड होगा तो यहाँ पे नो डेटा लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे मैं जैसी कराची लिखूंगा, ठीक है, और गेट वेदर करूँगा, तो क्या हो जाएगा, वो डेटा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। डेटा क्यों प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब एक ट्रूथी वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेदर डेटा के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रूथी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह करके, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वाले को भी इनेबल कर सकता हूँ। वो नलिश ऑपरेटर जो है ना, इस पर काम नहीं करता, स्टिल ये कोड को ब्रेक कर रहा था। ठीक है, अब मैं कराची लिखूंगा तो वो लास्ट वाला भी मुझे क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, स्काई क्लियर भी अब शो कर रहा है। अच्छा, अब सीन कुछ ऐसा है भाई कि ये इस तरह करके रेकमेंडेड क्यों नहीं है, इस तरह करके रेकमेंडेड ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये कार्ड है, वेदर को डिस्प्ले कराने का कार्ड है ना। ठीक है, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर गेट वेदर करूँ तो एक कार्ड यहाँ पर बना हुआ आ जाए, और फिर मैं एक और दफ़ा ऐसे लिख के गेट वेदर करूँ तो एक दूसरा कार्ड नीचे लिखा हुआ आ जाए मेरे पास, ये क्या हुआ? अच्छा, ये वो असल में कैच चला है, कैच
कैच के अंदर ना मैंने चीज़ हैंडल नहीं की हुई शायद कुछ। कैच के अंदर जो है ना गेट डॉक्यूमेंट बाई क्वेरी सेलेक्टर लगा हुआ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ इस वजह से क्या हुआ कि जब मैंने ऐसे लिख के चलाया और कैच चला तो मेरा पूरा का पूरा कोड ब्रेक हो गया। ठीक है, अब नहीं हो रहा क्योंकि वो गेट एलिमेंट बाई आई डी करके उसने कुछ लिखा हुआ था वो पुरानी ऐप से, क्योंकि मैंने कॉपी किया। अच्छा, ये हो गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जी जब मैं क्या करूँ गेट वेदर करूँ तो यहाँ पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा कार्ड बना हुआ जाए, ठीक है, उसके अंदर सीएसएस भी लगेगी। अच्छा, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की कंडीशन भी हैंडल होगी क्योंकि उस कार्ड के अंदर मैंने फोटो डिस्प्ले करानी है। डिपेंडिंग ऑन कि अगर क्लियर स्काई है तो क्लियर स्काई हो, अगर सनी है या क्लाउडी है तो डिपेंडिंग ऑन दैट 8, 10, 12 इमेजेस होंगी मेरी अलग अलग जो मैं कंडीशनली डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज भी है, आई मीन एनिमेशन भी हो सकती है कोई, जो बारिश हो रही है तो बैकग्राउंड में बारिश वाली इमेज लगी हुई हो और उसके ऊपर डेटा लिखा हुआ रहा हो। तो इस तरह की बहुत सारी क्या हो सकती है, यूआई बेस लॉजिक्स हो सकती हैं। सही है, जिसका ये लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका यानी जावास्क्रिप्ट वाली लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, वो जस्ट क्या होगा कि जो उसको इनपुट मिलेगा उस बेस पे वो रेंडर कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं इसका एक अलग कंपोनेंट बनाऊं, जो वेदर विजिट के नाम से मैंने शुरू में ही फोल्डर एक बना लिया था, मैं एक अलग कंपोनेंट बनाऊं और उसको ये सारा का सारा डेटा जो मुझे यहाँ मिल रहा है ना, है ना, ये वेदर डेटा जो है ये उसको प्रॉप में मैं पास कर दूं और मैं बोलूं ये लो भाई डेटा आ गया, इसको प्रिंट कराओ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कराने वाला काम कौन सा, ये टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे स्टिल रहेगा, टर्नरी ऑपरेटर स्टिल रहेगा कि जी अगर वेदर का डेटा है ही नहीं तो वो नो डेटा दिखाए, वो विजिट को डिस्प्ले ना करे। तो आ जाओ आप जल्दी से क्या करते हैं, एक अदद विजिट तैयार कर लेते हैं और इसी डिव से बना लेते हैं फिलहाल के लिए, हम इसी डिव वाले डेटा के को उसमें मैं इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, मैं विजिट में आया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि जी कॉन्स्ट वेदर कार्ड, ठीक है कोई भी नाम रख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, हाँ सही है, वेदर कार्ड, और मैंने कहा कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेदर कार्ड। ठीक है, इसको बना दिया मैंने और एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, और अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर रिटर्न करना है एक अदद जेएसएक्स। ठीक है, इसने खुद ही से कुछ मुझे सजेशन दे के बनवा दिया, लेकिन खैर मुझे अभी इतनी सजेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वही वाला सारा का सारा क्या कर लेता हूँ, डेटा उठा लेता हूँ और ये वेदर डेटा मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये मुझे ये प्रॉप में मुझे दे दो ला के, ये प्रॉप में मुझे वेदर डेटा दे दो और अंदर ये इस तरह करके डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जाहिर है मुझे सी एस एस भी चाहिए होगी कुछ ना कुछ, तो मैं क्या करता हूँ इम्पोर्ट सी एस एस की सजेशन क्यों नहीं आ रही, वेदर विजिडी के नाम से ही है, सही है, वेदर विजिट डॉट सी एस एस मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ क्लासेस लगा लेता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे इसको मैं दे देता हूँ क्लास नेम कार्ड, सही है, कार्ड नाम दे दिया इसको मैंने, और कार्ड में मैं क्या कर देता हूँ कुछ सी एस एस लगा देता हूँ कार्ड के ऊपर मैं, डॉट कार्ड, इसमें मैं कह देता हूँ कि जी बॉर्डर, बॉर्डर नहीं लगाते हैं इस पर एलिवेशन लगाते हैं, एलिवेशन हमने लास्ट किसी क्लास में किया था ना, कौन सी में किया था हमने, हेलो वाली में किया था ना, हाँ पोस्ट वाली में किया था। आते हैं इससे ज़रा वो एलिवेशन वाला ना सी एस एस उठा लेते हैं पूरी, सही है, वो मैंने पूरा यहाँ से वो वाला उठा लिया, ये था ना वो बॉक्स शैडो, मैं कहता हूँ कि जी कार्ड, सही है, ये डिव डॉट लास्ट हमारे काम का नहीं है, ये सब भी मेरे काम का नहीं है। ठीक है, और भी इसमें से हम रीयूज़ करते हैं, वही वाला आइटम यूज़ करते हैं इसके अंदर से ना। अच्छा, आ जाते हैं वेदर विजिट में, तो अब कार्ड लग गया तो इसका मतलब है ये एलिवेट होकर दिखना चाहिए ना मुझे अब। अच्छा, होम के ऊपर मैंने अभी तक इसको वो नहीं करवाया, प्रिंट नहीं करवाया, तो अब होम के ऊपर मैं ये पूरा का पूरा डिव हटाता हूँ यहाँ पे और उसका कंपोनेंट रेंडर करवाता हूँ जिसका नाम था वेदर कार्ड,
वेदर कार्ड, ठीक है, ऊपर से ये इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली हो गया होगा होपफुली, ठीक है, इम्पोर्ट ऊपर ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है, ये वी एस कोड का फीचर है कि अगर वो ऑटोमेटिकली उसको सजेशन में आता है ना तो इम्पोर्ट भी खुद ही कर लेता है। अच्छा, मैंने कहा भाई वेदर डेटा अगर है ना तो वेदर कार्ड को डिस्प्ले कराओ और साथ में प्रॉप क्या दो इसको, ठीक है, वेदर डेटा करके इस तरह करके वो पूरा का पूरा स्टेट मैंने इसको पास कर दिया। मैंने कहा ये लो ये स्टेट क्या हो गया, अब तुम्हारा हो गया, इसके अंदर जो भी कुछ है इसको रेंडर मार दो, ठीक है। तो स्क्रीन पे मुझे इस तरह करके कार्ड दिख गया, रिफ्रेश किया मैंने, शुरू में नो डेटा, कराची लिखा, एंटर किया तो ये कार्ड आ गया मेरे पास, सही है। अब इस कार्ड के अंदर मैं जो मर्जी CSS लगाता रहा मेरे पास, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट क्या रहेगा उस फोल्डर के अंदर वो रहेगा, मैं कहीं और भी मुझे कराना हो डिस्प्ले तो मैं सेम प्रॉप पास करूंगा तो वो हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। और आइडियली मुझे होना ये चाहिए था कि मैं इसको ये अलग अलग देता ना, आइडियली होना ये चाहिए था कि ये जो मैंने home.jsx पे इसको पूरा दे दिया ना वेदर डेटा, ये पूरा वेदर डेटा मुझे इसको होपफुली नहीं देना चाहिए था, मुझे अलग 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 पास करना चाहिए था, लेकिन ठीक है मेरे पास क्योंकि ये वाला डेटा हमेशा एक जैसा ही आएगा, API कॉल हमेशा वो स्टैंडर्ड है, हमेशा एक जैसा ही आएगा, तो चलो मैंने एक साथ भी दे दिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब भी मैं इसको रीयूज़ करूँगा तो मुझे इसी तरह का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट आगे पीछे करूँगा तो उसको अंदर वो मिलेगा ही नहीं। तो जिस तरह से जैसे फंक्शन बनाते हैं हम, तो जिस तरह से पैरामीटर इनपुट लिए हैं उसी तरह से पास करने होते हैं ना पैरामीटर्स, ठीक है जी। तो ये मैंने वेदर कार्ड को यहाँ डिस्प्ले करवा दिया। अब वेदर कार्ड के ऊपर आते हैं और कुछ मज़ीद इस पर हम CSS अप्लाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना, हम क्या कर रहे थे, और पोस्ट हेड हमने वो टाइटल वाइटल बनाया था ना इसके अंदर, क्या बनाया था यार, अभी तो CSS देख के समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया था मैंने, चलो छोड़ो उसको हम खुद से कर लेते हैं। हाँ, डेट को मैंने कलर चेंज किया था और क्या किया था, चलो छोड़ो खुद से कर लेते हैं हाथ से अलग से ना, ठीक है। इसमें मैं जो टेम्परेचर लिखा हुआ है उसको ज़रा बड़ा करके दिखा देता हूँ, सही है, ठीक है। उसको मैं कह देता हूँ कि जी फॉन्ट साइज, और मैंने कहा कि जी 2 rem, सही है, फॉन्ट साइज 2 rem कर दी। और यहाँ पे आके मैंने जो टेम्परेचर था उसके ऊपर क्या, अच्छा ये जाहिर है अच्छी तरह से लिखा हुआ नहीं है मैंने, इसको मुझे अच्छी तरह से लिखना होगा, जैसे डिव बना बना के सबको प्रॉपर, हर चीज़ अपने अपने डिव में होगी, एक प्रॉपर कार्ड बनेगा जैसे हम एक प्रॉपर कार्ड बना रहे होते हैं ना, ठीक है। और इसके साथ ये ऑब्वियसली मैं टेम्प भी नहीं लिखूंगा, क्लास नेम, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, टेम्प ऐसे यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वो सेंटीग्रेड उसके साथ मैं लिखूंगा ना, ऐसे करके मैंने सेंटीग्रेड इसके साथ लिख दिया, तो अब ये कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, ठीक है, 26.9, और ऊपर ये सिटी का नाम, ये सब, नीचे ह्यूमिडिटी वगैरह, तो कुछ ठीक है, अच्छा लुकिंग कार्ड बन गया। अच्छा, ये जो मैंने इसमें सिंगल कोटेशन लगा दिया है, इस तरह नहीं लगाऊंगा मैं, मेरे कीबोर्ड के अंदर ये गोल वाला आइकन का है मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसको, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आके मैं इसको ये पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है, मामला सेट कर लिया, मेरे कीबोर्ड में भी होगा कहीं ना कहीं, बट मुझे क्योंकि पता नहीं है तो मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, अब ये कार्ड बन गया, अब मैंने क्या करना है, ये कार्ड रीयूजेबल है ना, ये कार्ड तो रीयूजेबल है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैं जितनी दफ़ा API कॉल करूँ ना, जितनी दफ़ा भी मैं क्या करूँ API कॉल करूँ, तो हर दफ़ा वो ऐसे कार्ड नीचे बना बना आ जाए, हो सकता है ना ये काम। अच्छा, इसके लिए मुझे छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, छोटा सा चेंज ये करना पड़ेगा कि जो सेट वेदर डेटा करता हूँ ना मैं, इसमें ये डायरेक्ट इस तरह सेट करवाता हूँ, अब इस तरह नहीं करवाऊँगा मैं, अब इसको कैसे करवाऊँगा मैं, अब इसको एरे बना के सेट करवाऊँगा मैं, ठीक है, ऐसे। अब ये एरे कैसे बना, यहाँ पे शुरू में इसको मैंने नल रखा था, लेकिन बाद में मैंने इसको क्या दे दिया, मैंने कहा कि सेट डेटा में इसको एक एरे बनाओ, और एरे बना के मैंने क्या कहा कि पहले से अगर वेदर डेटा में कोई चीज़ मौजूद है तो डॉट 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 करके वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर दो, सजा दो, और लास्ट में मैंने रिस्पॉन्स डॉट डेटा रखा है, ठीक है। तो अब ये वेदर डेटा के अंदर मैंने रेदर इसको क्या बनाया है, इसको एरे बना के रखवाया है, जितनी दफ़ा ये फंक्शन चलेगा नया नया डेटा आएगा और उस एरे के अंदर वो मिलता जाएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये एरे बन चुका है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब इस पार्ट को भी क्या करूँगा, मैं मैप करूँगा,
ठीक है, मैं बोलूंगा कि जी वेदर डेटा डॉट लेंथ वैसे लगाने की जरूरत नहीं है शुरू में, क्योंकि मैंने उसको नहीं, चलो शुरू में उसको एम्प्टी एरे रख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, शुरू में उसको मैं एम्प्टी एरे रख देता हूँ, कर सकता था वैसे मैं नल भी, इट वाज नॉट अ बिग डील, लेकिन चलो मैं उसको ना एम्प्टी एरे रख देता हूँ ताकि देखने से पता चले कि अच्छा ये आगे भी एरे होगा। तो डॉट लेंथ फिर मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा कि डॉट लेंथ अगर इसकी है तो क्या करोगे आप, ये वेदर कार्ड इस तरह डिस्प्ले नहीं करोगे आप, कैसे करोगे, वेदर कार्ड को सॉरी वेदर डेटा ना, वेदर डेटा डॉट मैप, क्योंकि अब ये वेदर डेटा क्या हो चुका है, एक अदद, ये एक अदद एरे बन चुका है। ठीक है, ये जो स्टेट वेरिएबल है इस वक्त, ये वेदर डेटा, वेदर डेटा ही है ना इसका नाम, हाँ वेदर डेटा ये। ठीक है, ये वेदर डेटा, ये एक स्टेट वेरिएबल है और इसकी टाइप जो वो एरे है, तो एरे को मैं डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं कराता हूँ, मैं मैप करा के डिस्प्ले करवाता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि ईच वेदर डेटा, सही है, जितनी दफ़ा ये घूमेगा मुझे ईच वेदर डेटा मिलेगा। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, हर इसकी आइट्रेशन पे मैं इस कार्ड को ऐसे रिटर्न करवाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा मेरा ये पेज लोड होगा, ये सबसे पहले कंडीशन चलेगी, तो शुरू में तो ये वेदर डेटा डॉट लेंथ जीरो है, तो नो डेटा लिखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे ही मैं एक दफ़ा एपीआई हिट करूंगा तो इस वेदर डेटा के एरे में पहले इंडेक्स में एक डेटा आ जाएगा। तो अब ये जो ये वाला पार्ट चलना शुरू हो जाएगा, फिर अब ये वाला पार्ट जब चलेगा तो मैप एक ही दफ़ा घूमेगा और एक ही दफ़ा में ये पहला वाला मिल जाएगा और ये वेदर कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। है हाँ, ईच वेदर डेटा आएगा प्रॉप के अंदर, यहाँ सही है, ऐसे आएगा अभी, सही है। अच्छा, अब ये जितनी दफ़ा मैं प्रिंट करवा दूँ वो प्रिंट होता चला जाएगा, नतीजा उसका क्या होगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ कराची, एंटर, तो ये सामने कराची आ गया, मैं लिखता हूँ अब लाहौर, एंटर, तो ये नीचे लाहौर आ गया, सही है, लंदन, एंटर। अच्छा, नया वाला तो ऊपर आना चाहिए ना, ऊपर इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, सही है। ये जो मैंने ये यहाँ रखा है ना इस पार्ट को मैंने, कि जी जो पहले का मौजूद डेटा उसको पहले रखो। अच्छा, ये बाय द वे मैं क्लोनिंग कर रहा हूँ, सही है, अगर किसी को नहीं पता, जावास्क्रिप्ट में हमने एरे और ऑब्जेक्ट दोनों की क्लोनिंग को डिटेल में डिस्कस किया था, बगैर क्लोनिंग के ये इसको समझ नहीं आती बात। तो जब भी हम क्या करेंगे, सेट वेदर डेटा कराएंगे तो हमेशा उस एरे का नया क्लोन बना के देंगे हम उसको, अगर मैं नया क्लोन नहीं दूंगा तो वो उसको पता ही नहीं लगेगा कि चेंज हुआ है कुछ, सही है, क्योंकि एरे की आपको पता है हम कॉपी बना ही नहीं सकते बगैर, जब तक उसको हम क्लोन ना कर लें। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार ये जो पहले का डेटा है ना जो सजाया हुआ है आपने, उसको यहाँ नहीं रखो आप, उसको आप रखो लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं जो एरे जो मेरा फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो हर नया डेटा ना जीरो इंडेक्स के ऊपर होगा, जब भी कोई नया डेटा मैं ऐड करूँगा इस पर तो वो जीरो इंडेक्स पे नया होगा और उससे पुराना उसके नीचे होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ ना और इसको आगे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मैं जब ये कराची लिखता हूँ तो ये कराची टॉप पे आया, उसके बाद लाहौर लिखूँगा तो कराची नीचे चला जाएगा, लाहौर ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, उसके बाद लंदन लिखूँगा तो लंदन टॉप पे आ गया, ठीक हो गया जी। तो ये हमने क्या कर लिया, अपने हमने एक वेदर ऐप बना ली जिसमें हमने आज एपीआई कॉल करना सीख ली। ठीक है, एपीआई कॉल करने के बाद हमने क्या सीख लिया, उसको जाहिर है एपीआई कॉल से जो रिस्पांस आया, नहीं उससे भी पहले हमने क्या सीखा, उससे पहले हमने इनपुट से वैल्यू उठाना सीखी कि इनपुट से वैल्यू कैसे उठाएंगे, इनपुट से वैल्यू उठा के हमने रखा उसको एपीआई कॉल के अंदर, एपीआई कॉल करना सीखी, एपीआई कॉल का जब रिस्पांस आया तो उसको हमने वापस स्टेट वेरिएबल में रखवाया क्योंकि हमने उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना था। ठीक है, फिर हमने उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, फिर हमने ये देखा कि अच्छा जी जो स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ उसमें मुझे अच्छी खासी CSS लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि मैंने अभी अच्छी खासी CSS नहीं लगाई है इसमें, बहुत थोड़ी सी लगाई है, लेकिन मुझे अच्छी खासी CSS लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या कर लिया, उतने पार्ट का मैंने एक अलग कंपोनेंट तैयार कर लिया, उतने पार्ट का मैंने एक अलग कंपोनेंट तैयार कर लिया और जो भी डेटा उस कंपोनेंट को रेंडर होने के लिए, यानी उस कार्ड को रेंडर होने के लिए चाहिए था, वो मैंने उसके प्रॉप में उसको दे दिया। ठीक है, अच्छा, जब मैंने ये कर लिया तो ये मेरा कंपोनेंट ऑब्वियसली रीयूजेबल हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको मल्टीपल टाइम्स, अभी मेरे ऐप के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं मल्टीपल करूँ, लेकिन जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस रीयूजेबिलिटी ऑफ दिस कंपोनेंट, तो मैंने उसको क्या कर दिया, बार बार उसको रेंडर करवा दिया। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, उसके लिए मुझे अपने स्टेट वेरिएबल को एरे बनाना पड़ा, है ना, क्योंकि अगर एरे जब तक मैं नहीं बनाता तो एक से ज़्यादा उसमें डेटा होल्ड नहीं कर सकता था मैं, और फिर उस एरे को भी डिस्प्ले करवाना हमने सीख लिया। एरे हमेशा हम कैसे करवाते हैं, मैप चला कर डिस्प्ले करवाते हैं।
ठीक है। अच्छा, जब एरे को हम मैप चला के डिस्प्ले करवाते हैं तो यहाँ पे एक वार्निंग आ रही होती है कि भाई इसको ना की देना पड़ता है, ठीक है। अब ये की हम इसको दे देते हैं यहाँ पे चुप करके, और इसको हम बाद में देखेंगे कि ये की हम क्यों दे रहे हैं। अच्छा, हम इस की में क्या पास करेंगे, मैप के अंदर मुझे इंडेक्स मिल रहा होता है, ठीक है ना, एक ईच आइटम मिलता है, एक इंडेक्स हो, तो ये इंडेक्स फ़िलहाल मैं पास कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, ये की इसको क्यों चाहिए होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ना हर कंपोनेंट को। ये जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि HTML का जो डॉम है वो वाला डॉम इसके अंदर नहीं होता है, इन्होंने अपना एक वर्चुअल डॉम बनाया हुआ है, ठीक है। तो अपने वर्चुअल डॉम का ये तकाजा है कि जब भी हम एक जैसा कंपोनेंट बार 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 रेंडर करवाते हैं ना, ये एक जैसा कंपोनेंट है वेदर कार्ड, ये 200 दफ़ा डिस्प्ले होगा यूँ सीधा, या दो दफ़ा होगा या 200 दफ़ा होगा। तो वो कहता है कि एक जैसा कंपोनेंट जब भी हम बार बार रेंडर कराते हैं ना, तो ये की है। अच्छा, ये आपको पता लग जाएगा, वार्निंग ये खुद ही दे देता है यहाँ पे, तो आपको पता लग जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जब भी ये दे, इसको आपने एक यूनिक चीज़ यहाँ पे पास कर देनी है, जो हर दफ़ा रेंडर होने पे ना वो अलग अलग हो। हमारे केस में ये एरे, अगर एरे के अंदर अगर 10 आइटम है तो ये मैप 10 दफ़ा घूमेगा, और 10 दफ़ा में 0 से लेके 9 तक मुझे नंबर्स मिलेंगे। तो हर दफ़ा यूनिक मिल रहा है, एज सून एज उसको यूनिक मिलता रहे, वी आर गुड टू गो। तो ये हो गया। अच्छा जी, अब मैं जो ये बात कर रहा था कि जी इसके हम रीयूजबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेरा एक कंपोनेंट ये है जिसके अंदर ये फॉर्म वगैरह और ये सारी लॉजिक्स हैं, और एक कंपोनेंट मेरा ये हैं, दोनों रीयूजेबल सही मानों में देखा जाए तो। लेकिन मेरी ऐप के अंदर मैं रीयूज़ किसको कर रहा हूँ, सिर्फ इस कार्ड को रीयूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको रीयूज़ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये बात कहा था कि इसको मैं रीयूजबिलिटी को जहन में रखते हुए नहीं बना रहा, क्योंकि ये मेरे केस में रीयूजेबल नहीं है। मेरे केस में रीयूजेबल इसलिए नहीं है कि आप इमेजिन करें मेरे पास एक बड़ी ऐप है, उसके अंदर वेदर तो मैं एक ही पेज पे गेट कराऊंगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऐसा बिल्कुल सेम फॉर्म किसी और पेज पे भी हो, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ दूसरे केसेस में, जैसे कि सर्च का फॉर्म है जो ऊपर टॉप पे ना सर्च आ रहा होता है ना, जैसे रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे तो किसी भी पेज पे आप चले जाओ, ये सर्च अपनी जगह होता है, और जब आप इसमें लिखते हो कोई भी बात, जैसे मैं इसमें रेफ लिख के एंटर करता हूँ, तो क्या होता है, ये काम करता है। अब देखो किसी दूसरे पेज पे आ गया, लेकिन ये फिर भी वहीं खड़ा हुआ है। तो इस केस में ये वाला सर्च का इनपुट बॉक्स जो है वो रीयूजेबल कंपोनेंट है। तो मेरे केस में भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको हर पेज पर डिस्प्ले करा सकता हूँ, एज इट इज़ काम करेगा। मैं कहीं पे भी इंपोर्ट करूँ, मैं बोलूँ भाई इंपोर्ट करो ये पूरा होम का कंपोनेंट और उसको डिस्प्ले कराओ, वो डिस्प्ले हो जाएगा और बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही चलेगा जैसा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे केस में इसी की मुझे ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की, ठीक है, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो भी सकती है। तो ये हमने इसकी रीयूजबिलिटी को डिस्कस कर लिया। अच्छा, ऑन अदर एंड ये वाला जो आइटम है, ये वाला आइटम भी रीयूजबिलिटी शायद इसकी इसी कंपोनेंट के अंदर अंदर ही है, मतलब इसी पेज के ऊपर ही है। हो सकता है किसी दूसरे पेज के ऊपर मुझे इसको डिस्प्ले कराने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन पड़ भी सकती है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा, उसके हर वक्त ना यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर वेदर आ रहा होता है, छोटा सा हर वक्त आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसको क्लिक करो तो वो फिर खुल भी जाता है, वो 3-4 सिटीज़ के वेदर दिखा रहा होता है। जैसे अगर मैं, जैसे ये देखो ये आ रहा है छोटा सा एक, ठीक है, ये बिल्ट इन इसके अंदर विजिट्स हैं, इसके अंदर ये शो हो रहा है, तो पढ़ भी सकती है मुझे ज़रूरत, ठीक है। तो स्टिल ये दोनों के दोनों कंपोनेंट जो हमने बनाए, ये दोनों के दोनों रीयूजेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको बाहर यूजेबल तो मैं कर ही लूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रीयूजेबल है तो मैं यूज़ कर ही लूँ उसको बार बार, मुझे ज़रूरत होगी जब करूँगा मैं। अच्छा, फिर दूसरी बात, मैंने अपनी ऐप को दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे मैंने वेदर का कार्ड डिस्प्ले करवाया है, पहले मैं यहाँ पे बड़ा सा डिव मैंने बनाया था, लेकिन फिर मैंने बाद में उस पूरे डिव को हटाया और उसको पूरा एक सेपरेट कंपोनेंट बना दिया। अगर मैं ये काम नहीं करता, मैं यहाँ पे एज ए ही डिव लगा देता और उसकी पूरी CSS में home.css के अंदर लिख देता, या इसी फाइल के अंदर लिख देता, तो कोई ऐसा इशू नहीं था, ठीक है। ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं था कि मैं इसके अंदर अलग कंपोनेंट ही बनाता मैं वेदर कार्ड का। मैं अगर ये चाहता तो मैं होम के ही कंपोनेंट के अंदर मैं सारा का सारा CSS, जो भी लॉजिक थी, ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ लिख सकता था और वो बिल्कुल सही काम करता, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये दिखाना था कि आप ऐप को दो कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये करके दिखाया। और आप अपनी ऐप को कंपोनेंट्स में ब्रेक कब करेंगे, जब आपको लगेगा कि इसकी ज़रूरत है आपको, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक फेसबुक की ऐप है, अब फेसबुक की ऐप में कितने कंपोनेंट होंगे कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अच्छा, इसको इस जगह से देख के कोई नहीं बता सकता कि ये एक अलग कंपोनेंट है। हाँ चलो, ये पता लग रहा है कि दोनों कार्ड बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे, तो शायद ये एक जैसा कंपोनेंट हो, शायद, लेकिन शायद ना भी हो सकता है लूप चला के वहीं पे पूरा बड़ा बड़ा डिव दिखाया वो। तो मेरी ऐप को कब मैंने ब्रेक डाउन करना है, ये मैं डिसाइड करूंगा डिपेंडिंग ऑन माई सिचुएशन।
जब मुझे लगेगा कि मेरा एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, या जब मुझे लगेगा कि अच्छा कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे शायद इस ऐप के किसी दूसरे हिस्से में भी ज़रूरत पड़े, तो मैं खुद डिसाइड करूँगा कि अच्छा इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दो। अगर मैं ब्रेक डाउन ना करना चाहूँ, मैं एक कंपोनेंट में पूरी फेसबुक जितनी बड़ी ऐप भी बना सकता हूँ, एक कंपोनेंट में सारी लॉजिक मिक्स यूँ हो जाएगी उसके अंदर और मेरा पूरा कचरा हो जाएगा वो, लेकिन काम सही करेगी वो। ठीक है, कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करने का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है कि मेरी जो अलग अलग सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाए, है ना। मिसाल के तौर पे एक बंदे को मैंने ये लगाया है इस काम पे कि इसकी यूआई तैयार करें इस कार्ड की, तो वो किस कंपोनेंट पे काम करेगा? वो वेदर कार्ड वाले कंपोनेंट पे काम करेगा। ठीक है, ये वेदर कैसे गेट हो रहा है कैसे नहीं गेट हो रहा है इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। आ जाओ इधर ज़रा एक नज़र और डाल लेते हैं, ये होम के ऊपर क्या हो रहा है, ये गेट करने वाला सारा जो आइटम है ना, API की वगैरह एक्स वाई जेड, है ना, कि क्या गेट करना है, ये यहाँ पे हो रहा है, इसकी अपनी बिजनेस लॉजिक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं विजिट वाले पे जाता हूँ, वेदर विजिट पे, तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ CSS है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इसमें प्रॉप्स में डेटा मिलता है और प्रॉप्स में, अब जाहिर है यहाँ पे इमेजेस दिखाऊंगा मैं, कंडीशन उस पर भी लगेगी, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक यहाँ भी इन्वॉल्व है, लेकिन सेपरेशन ऑफ कंसर्न है। अगर मैंने किसी बंदे को सिर्फ इस कार्ड के ऊपर काम करने पे लगाया तो वो सिर्फ इस विजिट के ऊपर काम कर रहा होगा, और ये विजिट बाद में किसी और जगह भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, बड़ी ऐप्स को हैंडल करना ज़रा आसान हो जाता है अगर कंपोनेंट बेस हो। अच्छा, और सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि इस कंपोनेंट को अगर मैंने कोई बहुत ही अच्छा कंपोनेंट तैयार किया है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिश भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं बेच भी सकता हूँ बाद में, मतलब बेच उस सेंस में कि इसको एज अ लाइब्रेरी में किसी को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स एज अ लाइब्रेरी भी बने हुए हैं, पहले से लोगों ने बना के रखे हैं, तो उसको मैं क्या करता हूँ, NPM से इंस्टॉल करता हूँ, ऊपर इम्पोर्ट करता हूँ और रेंडर कराता हूँ, रेंडर हो जाता है। उसमें क्या प्रॉप्स हैं, वो जिस बंदे ने वो कंपोनेंट बनाया वो मुझे बताता है कि इसके ये प्रॉप्स हैं, वो प्रॉप्स देख के उसको मैं रेंडर कराता हूँ, वो स्क्रीन पर दिख जाता है मेरे पास। ठीक है, तो आज हमने ये जो वेदर ऐप थी ये कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट हम होपफुली हम बढ़ेंगे, अब जो क्रड ऑपरेशन हमने किया था वो वाला हम इसके ऊपर बनाएंगे, ताकि हम मज़ीद API कॉल्स करना, ये सारी चीज़ें हम ये सीख जाएँ, और यूज़ इफेक्ट इंशाल्लाह हम उसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें, है ना, यूज़ इफेक्ट, जैसी पेज लोड हो सारी की सारी पोस्ट गेट कर लो। ठीक है, तो एक API हमने ऐसे कॉल किया, एक API यूज़ इफेक्ट से आप कॉल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये वाली जो है जितनी मैंने बना दी है, इतनी आप सब लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास में बना कर लाएंगे, और कोशिश कीजिएगा कि ये विजिट के आपने अलग से कंपोनेंट बनाया हो और इसमें सारी CSS लगी हुई हो अच्छे से, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना वेदर, इसमें सारा कुछ आ रहा है ना, इस तरह आ रहा हो, इमेजेस वगैरह, जैसे ये इमेज लगी हुई है ना ये भी आ रही है इसके अंदर, बैकग्राउंड इमेज, अगर कोई एनिमेशन लगा सको कि अच्छा रेनिंग अगर है तो ये एनिमेट रेनिंग कर रहा हो, अगर बिजली कड़क रही है तो बिजली कड़कने वाला एनिमेशन हो अगर, तो क्या ही बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके आपने अच्छे से ये कार्ड पूरा तैयार करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।